ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन के चौथे अधिवेशन को लेकर जो तैयारियां चल रही थी, उन तैयारियों के साथ में हमने जो प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन देखा है दो दिनों से, मुझे इस बात की बहुत बड़ी खुशी है, अथवा यूँ कहना चाहिए, यही बात कहने के लिए मैं एक बार फिर आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ। जिस तरह एक फूल की खुशबू या महक का कोई रंग नहीं होता, वो महज खुशबू होती है। जिस तरह बहते हुए पानी के झरने या ठंडी हवाओं का कोई मकसद, कोई घर, गांव, वतन या कोई देश नहीं होता, और आपने देखा और महसूस किया होगा, जिस तरह एक मासूम बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मजहब नहीं होता है, वैसे ही ये समग्र ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन ने अपनी एकता, संगठन, भाईचारा और मीट टुगेदर का एक इतिहास जो यहाँ चैतन्य धाम की चैतन्य धरती के ऊपर बनाया है, उसमें परम आदरणीय, परम उदारमना, परम गुरुभक्त हम सभी के आशाओं के ऊंचे अंतरीप के रूप में, जिनका व्यक्तित्व हमारा पूरा कटारिया और समग्र जैन शासन जानता है, ऐसे हम सभी के आदरणीय श्रीमान सौभागमल जी, चीतरमल जी, कटारिया परिवार की उदारता, आपका मैनेजमेंट और संघ शासन और समाज के प्रति, अपनी गोत्र के प्रति आपके दिलों में जो एक अंतरंग वात्सल्य भाव है, उसी के परिणाम स्वरूप ये कार्यक्रम अपने आप में अविस्मरणीय, अनुकरणीय और अति श्लाघनीय बन पाया है। एक माइलस्टोन के रूप में ये पहला सम्मेलन है जिसमें ये महसूस कर रहा हूँ कि 2029 तक आने वाले 2029 तक के जितने भी अब मीट टुगेदर सम्मेलन होने वाले हैं, वो इन दो दिनों में संपन्न हुए हैं, और आगामी इनकमिंग कन्वेंशंस जो होने वाली है, और उनके लाभार्थियों ने आगे से होकर के परम आदरणीय प्रकाश जी की कार्यशैली को रेखांकित करते हुए यहाँ अपनी न केवल इच्छा अभिव्यक्त की है, अपितु आगे से आकर के और अपने नाम को डिक्लेयर करवाकर और आगामी सम्मेलन के लिए अपना नाम रिजर्व करवाया है। उन तमाम इनकमिंग जो लाभार्थी हैं, उन सभी की उदारता को भी मैं इस मंच की ओर से प्रणाम करता हूं। मैं आभार अभिव्यक्त करना चाहूंगा दो दिनों के इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे कीनोट स्पीकर आए हैं, और उन्होंने अपनी प्रतिभा की अनुपम छाप यहाँ इस सदन में छोड़ी है। उस श्रृंखला में एक नाम अब हमारे पास शेष रह गया है, और उनको मैं यहाँ पर आमंत्रित करूँ, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा स्वयं पारस जी लाठिया को भी कि आपका यहाँ पधारना और आपको यहाँ आमंत्रण का भाव बहुत समय से था, और आदरणीय पृथ्वीराज जी कटारिया और उनकी पूरी टीम ने जब ये डिसीजन लिया, उस वक्त आपके फ़ोन नंबर या आपकी लोकेशन का किसी को कोई पता नहीं था। मेरे पास में उनका फ़ोन आया, सौभाग्य से मैं आपके संपर्क में था, और मैंने उनको तत्काल फ़ोन नंबर दिए, और इन बिटवीन हाफ एन आवर, ये पृथ्वीराज जी की कार्यशैली ही है कि उन्होंने वापस मुझे कहा कि लाठिया जी से संपर्क हो गया है, और वे भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित अल्पसंख्यक आयोग या अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा जैन माइनॉरिटी के हित में, उनके हक में क्या क्या लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय को लेकर केवल और केवल आपसे हमें आशाएं थी, और हम आपका आभार अभिव्यक्त करते हैं कि कैसी भी परिस्थिति में हो, आपने आकर के अपना समय दिया है,
पूरे ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन की ओर से हम जोरदार तालियां बजा करके और आदरणीय पारस जी लाठिया का बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करते हैं। और अब मैं बिना किसी पूर्व भूमिका के आपको निवेदन करता हूं कि आप पधारें और अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। सभी कटारिया बंधुओं और ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन AIJKF के सभी एल्डर्स और सभी लीडर्स, सभी सेवाभावियों, सभी ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, इसलिए मैं खास उसका आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया है। ओम भाई कटारिया, सिलवासा वाले कटारिया भाई, पृथ्वीराज भाई, महेंद्र भाई कटारिया यहाँ पर बैठे हैं, आज पर्सनली मिलना हुआ। सभी को बात हुई थी कि सभी के साथ बात करके मेरा यहाँ पे लेक्चर रखा गया है, ये जैन माइनॉरिटी पे क्या क्या फ़ायदे हैं। बहुत ही मैंने भी बहुत अच्छा सुना आज अतुल भाई का लेक्चर, लेकिन बात मैंने की पुष्पेंद्र भाई से कि सबसे पहले भी बात कि भाई पैसा मिले तो अच्छी बात है, लास्ट में बात भी कि पैसा मिल जाए तो अच्छी बात है, तो मैं यहाँ पैसा कैसे मिले उसी के लिए आया हूँ, और इजीली मिले, इजीएस्ट वे से मिले, सभी जैनों को, मोस्ट ऑफ जैनों को जितना भी मिल सकता है इतना मैक्सिमम मिले, हक से मिले, बराबर। माइनॉरिटी में जो हमें मिलता है पैसा वो हक से है। प्रकाश भाई से मिलना हुआ था, रत्नमणि मेटल वाले, तो उसने बोला था कि हम टैक्स इतना पे करते हैं तो हमें उसमें पैसा लेना ही चाहिए, हमारा ही पैसा है फिर भी हम पैसा नहीं ले पा रहे, तो वो भी एक अच्छी बात है, बड़ी बात है और सच भी बात है। तो जैन माइनॉरिटी में फ़ायदे है, वैसे और भी स्कीम्स है। EWS तुम सभी लोगों ने 8-10-12 महीने से ये यहाँ पे जो भी बेनिफिट्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है कि भाई जैन माइनॉरिटी की बात आएगी तो स्कॉलरशिप की बात करेंगे, स्कॉलरशिप की बात 1.5 घंटा हमें, मैं लेक्चर दूंगा, आधा घंटा क्वेश्चन आंसर रहेगा, आप जो भी कुछ भी तुम्हें समझ में नहीं आया तुम्हें माइक दिया जाएगा और मैं रिप्लाई दूंगा, यानी कि टोटली क्वेश्चन आंसर के हिसाब से भी माइंड क्लियर हो जाएगा, सभी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और मैं अपने आप को बोलूँ कुछ भी इसके बदले में इतना कहूँगा कम शब्दों में कि आपने जिसके भाषा से भी सुना है लेकिन उसमें कुछ डिफर हो रहा है मेरा और उसका, तो मैं जो कहूँगा वो फाइनल अथॉरिटी हूँ मैं सारे इंडिया में, बराबर है। चाहे कोई भी कुछ भी कहे, मैं एडवोकेट भी हूँ तो हमारे क्या है ऐसा रहता है कि प्रूफ के बगैर हम आगे नहीं चलते, सभी को पता है कोर्ट में प्रूफ चाहिए, तो मैं भी एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट एडवोकेट हूँ, फादर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट थे, तो मेरे पास जितना भी मैं बोलूँगा ना मैं पूरा का पूरा पक्का होगा तो ही मैं कहूँगा, और दूसरे की बात यदि डिफर हो रही है तो वो माइंड से निकाल के मैं जो कहता हूँ वो करेंगे आप। आपको फॉर्म भी मेरे दिए गए हैं, उसमें मैं समझाऊँगा कैसे क्या है, और बहुत सारे फ़ायदे हैं। सिर्फ एजुकेशन में स्कॉलरशिप करते हैं, वैसे भी बहुत सारे स्टेट में तो वो भी कैसे उसका फॉर्म फिलअप किया जाता है वो पता नहीं है, कई सारे स्टेट्स में। मैं आपको बताऊं कि हमारे जैन समाज में बहुत ही ज़रूरत है पैसे की, बराबर। आप एक काम करना, सभी अपना मोबाइल है ना वो वाइब्रेशन पे रख देना, कोई भी बीच में मोबाइल पे बात करेगा, बोलेगा, बातें करेंगे, ये नहीं पूरा का पूरा ये डोम है वो फुल होगा, तो अभी लास्ट में कोई बात करेगा मेरी वहीं पर नज़र चली जाती है, डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो मैं क्या है कहीं पढ़ने वाला नहीं हूँ, तुम्हारे माइंड में पूरा का पूरा फिट कर दूँगा कि कैसे ये बेनिफिट्स मिलते हैं, कैसे लेना चाहिए और कैसे इजीली मिलेंगे। आपको यदि ज़रूरत नहीं है तो हमारे जैन भाइयों को, दूसरों को बताएंगे, मेरा नंबर भी अंदर है,
व्हाट्सएप करना, फ़ोन नहीं डायरेक्ट मत करना, तो मैं उसमें डिटेल मंगवा लूँगा, पहले ही एडवांस में बोल रहा हूँ। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स में सेवा देता हूँ, सभी फ़ोन करेंगे तो मेरे हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है, था लेकिन अभी नहीं है, बीच में बहुत मेरी हेल्थ बिगड़ गई थी इसलिए। तो इसीलिए क्या है कि व्हाट्सएप पे जो भी डिटेल आ जाएगी, बहन जी प्लीज़ अभी मैं बोल रहा हूँ कि मोबाइल बंद करिए। आप खड़ा होकर बोल रहे थे लेकिन लास्ट में नीचे बैठ के भी बोलेंगे, वहीं पर भी मेरा ध्यान चला जाएगा, मेरा प्रॉब्लम है साला। तो वो क्या है कि बाद में क्या है कि मैं पॉइंट, जैसे अतुल भाई बीच में भूल गए कुछ बोला उसको, तो वैसे मैं भी भूल जाऊँगा, तो एक लाइन है वो कट जाएगी मेरी जो कंटिन्यूसली रहेगी वो। तो सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए नहीं है, हमारे जैनों में ही, सबसे पहले बताऊँ, पहले तो एक बात है कि जो भी हमारे डोनर्स है, हमारी संस्था है, जिससे भी पैसा मिलता है, ग्रेट है, महान है, कोई बात, कोई सोचने की बात ही नहीं है, सभी के सभी डोनर, सभी संस्थाएं। लेकिन फिर भी, और हमारे जैनों में एक में ही ऐसा है कि हम हमारे भाई को हेल्प करते हैं, फिर भी बोलते हैं कि हमने, मैंने साधर्मिक भक्ति का लाभ लिया। पूरे इंडिया में हम सिर्फ ऐसा जैनों में ही बोला जाता है, नहीं तो वो बोलते दान दिया, दान लिया, बराबर है। तो लेकिन फिर भी बहुत ही ज़रूरत है, तो क्यों ना हम संस्थाओं की भी लिमिट्स है, डोनर्स की भी लिमिट्स है, सभी को पता है। तो जो गवर्नमेंट से मिलता है, एक बात और भी क्लियर करूं, मैं यहाँ बातें करने के लिए नहीं आया हूँ, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए भी नहीं आया हूँ कि बहुत बड़ा मेरा सेमिनार होगा, खाने पीने का कुछ होगा। मैं तो मेरे सेमिनार में बोलता हूँ, यहाँ तो पूरी की पूरी बहुत व्यवस्था है कि मेरे सेमिनार में किसी को पानी भी देना नहीं है। आएंगे, उसको करोड़ों के फायदे चाहिए, मिले हैं, दे चुका हूँ, दिला चुका हूँ, तो ही आएंगे। और पूरे 3.5 घंटे कोई हिलता नहीं है, मेरा व्हाट्सएप वीडियो भी है यूट्यूब में, नंबर वन व्यूअर्स है इंडिया में, गुजराती में है फिर भी, बराबर है। तो वो भी 2.5 घंटे का है, यहाँ सिर्फ 1.5 घंटा, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है, और 0.5 घंटा क्वेश्चन आंसर रहेंगे। लेकिन वो ही बात मैं करूँगा जिसमें पैसे मिलते हैं, और मेरी ये ही बात रहती है कि कोई भी पानी भी नहीं देना है, बात ख़त्म। जिसको भी इंटरेस्ट है, पूरा सुनना है, पैसे चाहिए, वो ही आएंगे, 2000 की ज़रूरत नहीं, 200 आएंगे, मेरे लिए सफिशियंट है। तो आपको मैं सिर्फ ये, सिर्फ मेरी बात क्यों बता रहा हूँ कि ये सिर्फ बातें करने के लिए नहीं आया हूँ, कि इतना बड़ा मुझे स्टेज मिल रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ा, आपके लिए तो मैं महान बन जाऊँगा, पारस भाई तो क्या से क्या चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़, ऐसी बात नहीं है। सभी को ईजीली ध्यान में आए, क्योंकि ये गुजरात में, गुजरात लोगों को तुम किसी को भी पूछोगे पूरे गुजरात में, तो सभी को जैन माइनॉरिटी का फायदे का पता है, सभी फायदे ले चुके हैं, खूब बहुत ही ले चुके हैं। दूसरे स्टेट में से, यहाँ सभी स्टेट से आए हुए हैं, कि मध्य प्रदेश से आए, राजस्थान से, कर्नाटक से, बराबर है। तो ये सभी लोग, वहीं पर लोगों को पता नहीं है, मुझे पता है, मैं 16 स्टेट्स तक मैं सेवा देता हूँ, मुझे पता है कि वहीं पर लोगों को पता नहीं है, इवन माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं है, सभी को जैन माइनॉरिटी सर्टिफिकेट चाहिए, बराबर है, लेकिन नहीं मिल रहा है। वो उसके भी फायदे मैं बताऊंगा, प्लस कि कहां से मिलेगा वो भी बताऊंगा, लेकिन हर एक स्टेट का अलग अलग, क्योंकि 1.5 घंटे का है, लेकिन फिर भी बताऊंगा। अभी मैं जो भी स्कीम्स तुम्हें बोल रहा हूं, वो टोटली पूरे इंडिया के सभी स्टेट के सभी जैनों को मिलती है, ये ना गुजरात के लिए है, ऐसा मत समझना कि ये पारस भाई बोल रहे थे ये गुजरात में, मैंने सब कुछ सुना है पूरे इंडिया में से, कलकत्ता वाले बोलते हैं कि ये पारस भाई के राजकोट में पैसा मिलता है, भाई ऐसा नहीं है, पूरे इंडिया में मिलता है। ये जो मैं स्कीम बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है जैन माइनॉरिटी के लिए, प्लस कॉमन स्कीम्स है, बराबर। आप सभी लोगों ने, जो मैं बोल रहा था, 8-10 महीने 12 महीने से आप पढ़ते होंगे, EWS, आर्थिक जो भी सिचुएशन तुम्हारी, इनकम कम इनकम वाली है, कम इनकम वाली यानी कि 8 लाख, और 8 लाख कौन से, IT रिटर्न वाले 50% ही सभी भरते हैं ना IT रिटर्न, तो यानी कि 16 लाख वाले तक तो को प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है। तो 8 लाख के जो भी तक के फायदे है, उसको EWS नई स्कीम निकली, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास नहीं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक तरह से, यानी कि पैसे की साइड से, जिसकी आय कम है उसको मिले फायदे। इसलिए सभी ने पढ़ा होगा ना 8-10 महीने से न्यूज़पेपर में, लेकिन क्या फायदे है पता है किसको, जरा उंगली तो ऊंची करे, मुझे पता है, नहीं पता है, बहुत ही फायदे है, हर एक जैन को मिलता है, ये कॉमन स्कीम है,
ये जैनों के लिए नहीं है। जिसकी भी इनकम 8 लाख के अंदर अंदर है, जनरल जो भी SC ST OBC के सिवा जो भी जनरल कोटा जनरल में आते हैं, बराबर है, हम भी जनरल में आते हैं तो। और हाँ एक बात बता दूँ, माइनॉरिटी में हम है तो हम जरा भी बैकवर्ड नहीं है ना, हम समझो कि मुस्लिम के साथ है ना, हम ये सभी शेड्यूल कास्ट में आ गए, ये सब कुछ जो भी यदि किसी के माइंड में है, अभी तो निकाल दिया मैंने क्योंकि 6 साल ख़त्म हो जाएंगे अभी मेरी, ये 22 तारीख को 7 साल हो जाएगा मेरी सेवा इसमें चालू है, तो माइंड में से निकाल दिया है, लेकिन फिर भी किसी के माइंड में होना तो निकाल देना। जिसकी भी संख्या कम है, पॉपुलेशन कम है, धर्म के आधार से, जाति के आधार से नहीं, जो भी धर्म 6 धर्म वाले हैं वो माइनॉरिटी में, मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी सिख बौद्ध और जैन। तुम बोलो कि मुस्लिम तो 25 करोड़ है भाई, वोट बैंक है इसलिए चलता है, वो सरकार को देखना है, लेकिन बाकी को तुम देखो, क्रिश्चियन सिख पारसी, पारसी तो बहुत ही कम है पूरे इंडिया में, बौद्ध और जैन। तो हम जो भी ये धर्म हम पाल रहे हैं वो जिसमें बहुत ही कम लोग है, हम सिर्फ 40 लाख 50 लाख, मेरे हिसाब से ज़्यादा 90 लाख, 1 करोड़ तो नहीं है ऐसा मेरे पास है फिगर, लेकिन कोई कोई 2-2.5 करोड़ बोल रहे हैं, तो 2-2.5 करोड़ यानी कि 125 करोड़ में 2-2.5 करोड़ यानी कि बहुत ही कम है, 1% जैसा है कुछ। तो यानी कि इसीलिए ही हम फायदे मिलते हैं, जैन हमारा धर्म है, जैन हमारी कास्ट नहीं है। तो ये मैं पहले क्लियर कर दूँ, सभी के माइंड में क्लियर है, लेकिन फिर भी ज़्यादा कि ये धर्म के आधार से माइनॉरिटी का स्टेटस मिला है हमें। और कॉन्स्टिट्यूशन आपने सभी ने देखा होगा, नरेंद्र भाई मोदी ने जब भी शपथ लिया था वड़ाप्रधान प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से, तो सबसे पहले वो जब भी शपथ के लिए गए उसके पहले उसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ऐसे बहुत ही नीचा होके, बराबर, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो मेन है, उसी में लिखा है आर्टिकल 26, ये कायदे की बात है, लेकिन तुम्हारे माइंड में क्लियर हो जाए कंसेप्ट, इसलिए बोल रहा हूँ, बराबर है, यहाँ कायदा सिखाना नहीं है मेरे को, कि ये उसमें लिखा है आर्टिकल 26-27 के हिसाब से कि ये जो भी माइनॉरिटी है उसको पूरा का पूरा प्रोटेक्शन, सबसे बड़ी चीज़ रहती है प्रोटेक्शन। मैं बैठा हूँ ना, तुम जाके करके हो, वो पारस भाई बैठे ही होंगे लेकिन वो सब कुछ करके आ जाएगा, यानी कि हमें प्रोटेक्शन भी मिला है और बहुत सारा धर्म में भी है, धर्म स्थानक में भी है, पढ़ना धंधा करना और सब कुछ है। तो EWS वो कॉमन स्कीम है, जनरल जो भी है SC ST OBC के सिवा उसमें, तो उसमें तुम्हें क्या फ़ायदा है, मैं सबसे पहले ये बड़ा फ़ायदा बताऊँ, माइनॉरिटी के फ़ायदे भी बताऊँगा और हर एक साइड में है, सिर्फ ये मत समझना है कि ये स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूँ, बराबर है, जैन माइनॉरिटी में स्कॉलरशिप बहुत बड़ी छोटी से छोटी चीज़ है, 1,000 से लेकर 1.5 लाख तक मिलते हैं, बराबर है, लेकिन मेरे हिसाब से वो सबसे छोटी चीज़ अभी रह गई है, जो सबसे बड़ा सभी लोगों का पता है लेकिन अभी भी पता नहीं है या कैसे फॉर्म भरना है, लेकिन वो भी बताऊँगा। लेकिन ये इसमें फ़ायदा ऐसा है कि EWS में कि 12th के बाद जब भी कॉलेज में जाना है तो 10% EWS का कोटा रहता है, जिसकी इनकम 8 लाख के नीचे, हर एक स्टेट में थोड़े से और भी नियम है, हर एक स्टेट के अलग अलग नियम है, गुजरात में सिर्फ 8 लाख की बात है, कहीं पर ऐसा है कि तुम्हारे पास सिर्फ 300 स्क्वायर फीट 400 स्क्वायर फीट का होना चाहिए फ्लैट या 1,000 स्क्वायर फीट का घर होना चाहिए, यानी कि अलग अलग स्टेट में अलग, लेकिन ये मिनिमम वाला मैं क्राइटेरिया दिखाऊँ कि 8 लाख की तुम्हारी इनकम कौन सी, IT रिटर्न वाली, इनकम टैक्स रिटर्न वाली ग्रॉस इनकम, तो तुम इसमें फ़ायदा ले सकते हो एडमिशन में, कि भाई चलो हमारे जैन बच्चे का 93.5% है, MBBS में जाना है लेकिन कट ऑफ आया जनरल का 94% का, तो वो रोता है, रोएगा कि साला 0.5 मुझे ज़्यादा मिल जाते ना तो मैं 5 लाख या 15 लाख में 4 साल 4.5 साल में मेडिकल का MBBS का स्टडी कर लेता, अभी मेरे को 1.5 करोड़ देना पड़ेगा, कितना, 1.5 करोड़ MBBS होने के लिए। लेकिन EWS में जो भी कट ऑफ आता है वो एक कोटा ही है, हम जैसे OBC SC ST का कोटा होता है हमें पता है, वैसे कोटा है जनरल लोगों के लिए कि उसमें 90% का कट ऑफ आया, समझो कि 90% वाले को EWS के कोटा के हिसाब से MBBS में एडमिशन मिल जाएगा, तो हमारे जितने भी 90% से ऊपर से बच्चे हैं उसको 5 लाख या 15 लाख में पढ़ लेंगे, कितने का फ़ायदा है, 1 करोड़ 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ कितने का गिने हम, बराबर सुनो। और वो सर्टिफिकेट इजीली, मैं बोलता हूँ ओपनली यहाँ से स्टेज से बोलता हूँ, डायरेक्ट तहसीलदार की ऑफिस में मत जाओ, गुजरात में मामलतदार वहीं पर जो बाहर बैठते हैं ना लिखने का काम करते हैं उसको ऑफिशियली छूट होती है, उसके पास जाओगे आप 100, 150, 200 जैसा भी जो भी स्टेट, बराबर, मेरे तो फिक्स किया हुआ है राजकोट में,
सौराष्ट्र कच्छ में हम ऐसा ही कर देते हैं कि सभी लोग वहीं पर जाएंगे, 125 रुपया देंगे, निकल जाएगा सर्टिफिकेट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हमारे टाइम पे जाना है, हमारे टाइम पे आना है, आगे पीछे कुछ भी वो सब कुछ सेट कर लेता है, इसमें तुम समझ जाओगे, बराबर है। तो वो सर्टिफिकेट है, उसमें दूसरा फायदा ये है, दूसरे स्टेट के जैनों के लिए खास, राजस्थान और गुजरात के सिवा जो भी है, मध्य प्रदेश में जैन माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, कर्नाटक में OBC का मिलता है, बराबर है, तमिलनाडु में मिलता है, गुजरात में मिलता है, राजस्थान में मिलता है, मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है, महाराष्ट्र में नहीं मिलता है। वो लोग बराबर सुने, EWS का सर्टिफिकेट ले लो, उसमें जैन लिख के देंगे, गवर्नमेंट की मोहर आएगी, उसकी साइन भी तहसीलदार की होगी, तुम्हारे पास वो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन EWS गवर्नमेंट ने लिखा है, तो ऑटोमेटिकली भाई साहब लास्ट से सेकंड वाली चेयर में, ब्लू शर्ट वाले भाई, आप मोबाइल में देख रहे हो, आपके मदर के साथ बात कर रहे हो, प्लीज़ आप पीछे देख रहे हो, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, प्लीज़ ये करोड़ों की बात हो रही है, तुम्हें अभी भी हंस रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि 1.5 करोड़ वाला काम यदि 5 लाख में या 15 लाख में हो जाए तो कितना फायदा हो सकता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और ये जब तक ये स्कीम चलेगी तब तक तो तुम्हें मिलेगा फायदा, बराबर है। प्लस गवर्नमेंट सर्विस, हम सभी भूल ही चुके थे कि जैनों को गवर्नमेंट सर्विस मिल सकती है, यानी कि जनरल वाले को, लेकिन EWS में गवर्नमेंट सर्विस में भी कोटा रहेगा, ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट सभी में आ चुकी है, सभी को ये एडमिशन भी मिल चुके हैं, गवर्नमेंट सर्विस में भी कोटा है वो भी डिक्लेयर हो चुका है, और मेरे पास सभी स्टेट की सेंट्रल गवर्नमेंट की, रेलवे में 1 लाख भर्तियां होने वाली है, उसमें 10% के हिसाब से 10,000 लोगों को EWS का कोटा होगा, उसमें हम जैन भी एक है, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, लेकिन हम ब्रिलियंट है तो हम क्यों इसका फ़ायदा न लें। हाँ, उसमें तो समझो पहली एग्ज़ाम होगी, दूसरी एग्ज़ाम बाद में समझो वो कंप्यूटराइज रहती है तो नहीं कुछ हुआ, दूसरी एग्ज़ाम है वो राइटिंग रहती है, दूसरी तीसरी होती है इंटरव्यू होता है, कुछ भी आगे पीछे समझो हो सकता है या होता है नहीं होता है बाद की बात है, तुम समझ जाओगे सब कुछ, बराबर, वीडियो का रिकॉर्डिंग यहाँ चालू होता है तो तुम्हें थोड़ा समझना होगा, बराबर है। तो इसी लेकिन एडमिशन में कहाँ जाएंगे, वो तो तुम्हारा डेटा फिट ही है, ऑटोमेटिकली तुम्हारे 90% के ऊपर है, तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, आ जाएगा, पारस लाठिया को मिल गया, मेरे को तो नहीं आता था इतना परसेंटेज आपका, मेरा तो 53% वाला हूँ मैं तो इसीलिए जो भी हमारे ब्रिलियंट बच्चे हैं वो बहुत ही पढ़े, आगे पढ़े, खुद हक से ये फ़ायदा लेके पढ़े, और सर्टिफिकेट EWS का सभी के सभी स्टेट के जैनों, ज़्यादा पैसे की मत सोचना कि 150 मेरे को देने पड़ेंगे, 5 लोग घर में है तो 750, 750 से तुम्हें फ़ायदे मिलेंगे वो लाखों और करोड़ के मिलेंगे। हम बिजनेसमैन है समझो, 750 से हमें लाख का फ़ायदा हो जाए, मैं तो बोलता हूँ 750 में 1,000 का भी फायदा हो जाए तो हमारा तो निकल गया ना पैसा, और हमें तो यह कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है, चाहे दूसरी बार कहीं पर भी, और क्या क्या फ़ायदे वो भी बताता हूँ, वो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट का, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जहाँ नहीं मिल रहे उसके लिए यहाँ ऑप्शन है, बाकी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट और EWS दोनों ले लो, एक नहीं दोनों ले लो, बराबर, महाराष्ट्र में मिलने वाला ही नहीं है, लिख लेना, उसका मैंने सेट दिया है ना, उसमें मराठी में लिखा हुआ सर्कुलर है ना, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही है, बराबर, कि हम देने वाले नहीं है, लेकिन वो कैसे मिले वो मुझे पता है, बराबर है, इजीली मिले, सिर्फ 2 रुपये में मिले, दिला चुका हूँ, और ऑफिशियली ये सर्कुलर के हिसाब से ही, मैं अपनी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला, लेकिन ये इजीली जो मिल रहा है गवर्नमेंट की मुहर वाला मिल रहा है वो तुम ले लो, जिससे क्या है EWS का तो फ़ायदा मिलेगा, प्लस जैन लिखा है और मुहर लगी है तो उसका भी फ़ायदा तुम कहीं पर भी रख सकते हो कि भाई हम जैन है ये तो सरकार में भी लिख दिया है तो माइनॉरिटी के भी बेनिफिट दो, तो ये काम हो सकता है, क्लियर कट 100% नहीं लेकिन 49% तो क्लियर हो रहा है, और पैसा तो ज़्यादा लगने वाला नहीं है। तो ये जो भी जैन माइनॉरिटी सर्टिफिकेट की बात की, बेनिफिट्स में EWS का सबसे पहले मैंने बताया, क्योंकि उसमें सबसे बड़े फायदे समझो, गवर्नमेंट सर्विस सिर्फ क्लार्क में मिली, कितना स्टार्टिंग होता है 20,000-25,000, लेकिन बाद में 25,000 यानी कि साल का 3 लाख और गवर्नमेंट का जमा हो गया, बराबर है, तो वो 5 लाख 15 लाख 25 लाख 50 लाख करोड़ उसकी लाइफ में पूरा कमा सकता है, इजीली कमा सकता है, सिर्फ
दस से छः काम करके, ऊपर फैन भी रहेगा, बराबर है। तो इसीलिए ये बहुत ही ईजी है, तुम इसका फ़ायदा ले सकते हो। अभी और भी बहुत सारे ऐसे फ़ायदे, यानी कि मैं पहले बता रहा था वही कि सिर्फ एजुकेशन में फ़ायदे ऐसा नहीं है। एजुकेशन, गवर्नमेंट सर्विस, एडमिशंस, प्लस फॉरेन एजुकेशन लोन, फॉरेन की जिसको भी जाना है उसका भी मैं बताऊँगा, प्लस इंडियन एजुकेशन लोन, प्लस मेडिकल साइड में भी, बिजनेस के लिए वहाँ पर बहुत सारे बिजनेस वाले आए हैं, मुझे पता है। तो यानी कि सभी साइड में, और भी मैं बताऊँगा, हमारे धर्म सानक, हमारा धर्म, हम खुद हमें प्रोटेक्शन मिले, बराबर है। और भी बहुत सारी स्कीम है, गुजरात में तो बहुत सारी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी अच्छी स्कीम है, राजस्थान में भी एक स्कीम बीच में आई थी कि जो भी लेडीज़ के नाम से बिजनेस करेगा 50 लाख की लोन उसको मिलेगी, और जो भी इंटरेस्ट है वो राजस्थान गवर्नमेंट पे करेगी। वसुंधराबेन राजे ने ये डिक्लेयर किया था, कहाँ तक पहुँचा पता नहीं है मेरे को, बराबर है। मैं उसमें पैसा दिलाया नहीं, लेकिन ऐसी बात एक थी जिससे तुम सभी को पता चले, ओरिजिनली तुम राजस्थान के हो, इसीलिए कहीं ना कहीं तो तुम्हारा टच है ही वहीं पे। तो इसीलिए ये सब कुछ बहुत सारे फ़ायदे हैं ऐसे। तो अभी माइनॉरिटी के भी क्या फ़ायदे है, और एक बात में अभी यहाँ तो बहुत दिग्गज बोले ना बिजनेस मैन्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, सीए भी है उसमें, मेरे हिसाब से मैं सबसे छोटा आदमी हूँ, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं, बराबर है। तो मैं ऐसा एक आपको सभी को क्वेश्चन करता हूँ, पूरे इंडिया में से कोई रिप्लाई नहीं दे पाया है, लेकिन यहाँ पर मिल जाएगा तो मुझे बहुत बड़ी, मुझे भी रिप्लाई एक मिला, मैं भी हार गया, कि 35 लाख यदि तुम लगाओ एक साल या दो साल में, मैक्सिमम दो साल में 35 लाख तुमने बिजनेस में लगाया, और बाद में हर साल तुम्हें 50 लाख मिलता रहे, सिर्फ ये पूरा का पूरा सीरियस बात कर रहा हूँ, शॉर्टकट है फिर भी लीगल है, तुरंत ही करोड़पति बनने की स्कीम है, हर एक जैन फैमिली करोड़पति बने अभियान, मेरा पूरा इंडिया में अभियान चलता है, बहुत सारे बच्चों को भेज भी चुका हूँ फॉरेन में, हर साल 50 लाख मिले, थोड़ा सा ही उसमें खर्चो, उसमें ऐसा नहीं है कि चलो ये तो बोल रहे हैं उसमें से चला जाता है 50 में से, तो 35 लाख, ऐसी कोई बिजनेस हो तो मुझे बता, ये शॉर्टकट वाला, दो नंबर वाला नहीं, एक नंबर वाला चाहिए, उसमें तो बहुत सारे हो जाते हैं फिर भी नहीं होता है, ये मैं बाद में बताऊंगा। और साथ में लेडीज़ के भी लिए फ़ायदा है, प्लस हमें और भी फायदे हैं, हम जैन माइनॉरिटी स्कूल कॉलेज खोले तो उसमें भी हमें बहुत सारा प्रोटेक्शन रहता है, जैन माइनॉरिटी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, कोई भी तुम्हें एक ही शब्द से, मैं आपको बताऊँ, माइनॉरिटी एक ही शब्द है या दो शब्द बोले तो जैन माइनॉरिटी, तो इतना सारे फायदे है, इतना सारा प्रोटेक्शन है। आप हम जो देखते हैं कि मुस्लिमों का कुछ भी है जुलूस निकल रहा है तो आगे पीछे पुलिस चल रही है, वो हमें भी मिलता है, लेकिन हम कर नहीं रहे, अभी हमें भी वो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, वो माइनॉरिटी में है इसीलिए, वो कोई ऊपर से चंद्रक लेकर नहीं आए, मैं ओपनली बोलता हूँ, मेरे वीडियो में भी है। हाँ, उसको वोट बैंक है इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, वो बात अलग है, लेकिन मेन मिलता है उसका माइनॉरिटी स्टेटस, उसको कोई पूछने जाता है, उसको कोई इसका हिसाब मांगता है, तुम्हें पता है ना, कभी भी मस्जिद का कहीं भी इस बार हमारे पास तो अप टू डेट हिसाब रहते हैं, डेरा सरकार ट्रस्ट का कहीं पर भी, तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन इतने सारे फायदे हैं। और हमें कितना फ़ायदा है, हमें तुमने देखा भी होगा, अभी ननकाना साहिब का आया था सिख लोगों का, यहाँ पर माइनॉरिटी में, उसमें वहीं पर बहुत ही, और वहीं पर बोल दिया सभी मुस्लिम्स ने कि यहाँ कोई भी सिख चाहिए नहीं, वो बहुत बड़ा धर्म स्थान है कि सिखों का, फिर भी यहाँ से भाग जाओ सभी। तो ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है हमें कि यहाँ कोई भी हमें कोई बोल नहीं सकता कि यहाँ से चले जाओ तुम, क्योंकि सबसे पहले माइनॉरिटी को धर्म के हिसाब से, धर्म स्थानक, बिजनेस, सभी साइड से हमें प्रोटेक्ट करना है, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना सारा हमें फ़ायदा है। वहीं पर माइनॉरिटी का कुछ नहीं है, इसीलिए वहीं का हिंदू, वहीं के हिंदू है वो मुस्लिम बन के जी रहे, क्या बाकी तो आगे बोल नहीं सकते हम लेडीज़ वगैरह का, बराबर है, इतना ख़राब वहीं पर है हालत, और यहाँ पर हमें इतना सारा फ़ायदा है सिर्फ एक जैन माइनॉरिटी शब्द से। और सभी साइड की कॉमन स्कीम है वो भी बताऊँगा, और सभी से पहले ये जैन माइनॉरिटी का ये एक मैंने बोला। दूसरी बात, यदि तुम्हें सर्विस करनी है, पहले ये बोला कि 35 के सामने 50 लाख, दूसरी बात यदि तुम्हें सर्विस करनी है, देखो यदि तुम्हारा छोटे से छोटा किराना का या प्रोविजन स्टोर का है, 10x10 का है तो भी तुम बादशाह हो, क्योंकि तुम अपना बिजनेस कर रहे हो। यदि लेकिन तुम यदि सर्विस करना चाहते हो तो ये समझो इंजीनियर बन के बाहर निकलोगे 15,000, 20,000, 25,000 मान लिया चलो,
तो 3 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख। पुणे में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अच्छी सैलरी बोल रहा हूँ, 7 लाख में लिमिट आ जाती है। हाँ, बाकी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, उसको 15 लाख, 25 लाख, 35 लाख, वो उसकी बात नहीं, मैं कॉमन बता रहा हूँ, बराबर है। तो उसमें तुम्हें यदि सर्विस करनी है तो 7 लाख की, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, बराबर में मगज माइंड मेरा सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख, कितनी की सर्विस करो, यदि सर्विस ही तुम्हें करनी है तो ये दोनों के ही तुम्हें रिप्लाई मिलेंगे, बराबर है, कि क्या तुम्हें करना है। गवर्नमेंट सर्विस की बात अलग है, ये मैं प्राइवेट सर्विस की बात कर रहा हूँ। अभी जैन माइनॉरिटी में जो भी बेनिफिट्स है, वो सबसे छोटी बात, सबसे पहले जो भी तुम सभी जानते हो, यदि लिखना है तो लिख भी लेना, मैं वेबसाइट का नाम भी बोल रहा हूँ, स्कॉलरशिप के लिए 1,000 से लेकर 1.5 लाख मिलेगा, 1.5 लाख यदि गवर्नमेंट ग्रांट करती है तो ही मिलेगा, बराबर है। और अप्लाई करना होता है, अप्लाई करना मुफ्त होता है, अभी तो ऑनलाइन हो गया, पहले तो 200-300 का खर्च होता था, एफिडेविट वगैरह करनी होती थी, अभी कुछ नहीं है, टोटली ऑनलाइन। उसकी एक वेबसाइट है, पारस भाई लाठिया को भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, पूरे इंडिया में किसी को पूछना, बराबर है। वह वेबसाइट पे लिखा है वही फाइनल है, उसमें लिखा है कि तुम्हें देना है उसका जो भी सर्टिफिकेट, वशवाट प्रमाण पत्र, यानी कि वो क्या बोलते हैं, यानी कि तुम वही राजकोट के हो, गुजरात के हो, महाराष्ट्र के हो, यहीं पर के, उसका सर्टिफिकेट रहता है लिविंग सर्टिफिकेट नहीं, दूसरा बोल, नहीं अभी मेरे याद आ जाएगा, भूल गया, कोई बात नहीं है, डी पे नाम बोलते हैं कुछ, डोमिसाइल, डोमिसाइल, बराबर, डी पे, इसलिए मैं इतना याद आ गया, डोमिसाइल, बराबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बदले तुम्हें ऐसा मैसेज मिलेगा, वो एसी ऑफिस में बैठे बैठे मैसेज भेजते रहते हैं, ना नाम ना नंबर, कि रेशन कार्ड लगा दो, अच्छी बात है, हम बहुत खुश हो जाते हैं कि घर में ही पड़ा है, जेरोक्स करवा दे, अरे भी तो ऑनलाइन करना है तो स्कैन करके जेरोक्स भी करवाना है, क्यों टाइम बिगाड़े, क्यों पैसा बिगाड़े, जैन है हम, पूरा का पूरा सोचते हैं हम, और सोचना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट आप सभी हो, बराबर है, तो यानी कि सभी सोचते हैं, तो इस तो वो कुछ नहीं करना है, वो वेबसाइट पर जो भी लिखा है वो ही तुम्हें फॉलो करना है, फिर तुम कहोगे कि मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो वो जो जिसने मैसेज भेजा था ना, उसने पराक्रम किया वो तुम्हें पता नहीं है। हमें 1,000 भी चाहिए हमारी संस्था से, उसमें लिखा है, मैं उसमें क्लियर तुम्हें बताऊं इजी वे से, कि भाई ये 5 तुम्हें कागज देने हैं, मार्कशीट देनी है, तुम्हारी इनकम कितनी है या कुछ भी है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, कोई देरासर उपाश्रय दिगंबर का सर्टिफिकेट कि तुम जैन हो, तो हम 5 लगा के नंबर 1, 2, 3, 4 उसने लिखा भी नहीं होगा, एनक्लोजर में भी लिखेंगे अच्छे बढ़िया तरीके, 1,000 हमें मिलने वाला है हमारी संस्था से। ये देखो, कोई ये लोअर ग्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हम करते हैं। लेकिन जहाँ 1,000 से लेकर 1.5 लाख तक मिलता है, वहीं पर हम ऑप्शन ढूंढते हैं कि चलो ना रेशन कार्ड लगा देते, क्यों भाई, उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट तहसीलदार की ऑफिस में मिलता है तो जाके लेने आने में क्या प्रॉब्लम है, दूसरे साल भी चलेगा तुम्हें, फिर हमारी स्कॉलरशिप नहीं आती है, फिर फ़ोन करते हैं, पारस भाई स्कॉलरशिप नहीं मिली, तुमने कैसे फॉर्म भरा, वो तो मेरे को पता नहीं है, प्लस सभी को मिलती है ऐसा भी नहीं है। तो वो स्कॉलरशिप की स्कीम के लिए उसकी वेबसाइट लिख लो, www.scholarship पे ही नाम है उसका, स्कॉलरशिप स लास्ट में एस लगेगा, scholarship लास्ट में एस लिखना है, scholarships.gov.in, GOV यानी गवर्नमेंट, IN यानी इंडिया, scholarships.government.in। दूसरी मैं वेबसाइट तुम्हें लिखवाता हूँ, वो सभी लिख लेना हो सके तो, जिसको भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, उसमें सभी स्कीम्स का तुम्हें देखने को मिलेगा वो वेबसाइट पे। लेकिन वो वेबसाइट पे जो लिखा है वो ज़्यादा तुम मत ढूंढना, उसमें कुछ थोड़ा सा ही तुम्हें आइडिया मिलेगा, और वो ज़्यादा पढ़ना भी मत, नहीं तो तुम कहोगे कि इसमें कुछ मिलेगा नहीं मेरे को, बराबर है। तो वो वेबसाइट है minorityaffairs.gov.in। लेकिन यदि तुम्हें ऐसा है कि कुछ भी नहीं मिलता है या वो कैसे कुछ भी, तो वहीं पर वो वेबसाइट गवर्नमेंट की है, इसलिए तुम्हें लिखा रहा हूँ, जिससे तुम पढ़ सको कि ये नहीं, ये सब कुछ जेन्यून है। minority अफेयर यानी लफड़ा, AFFIR एक नहीं ज़्यादा लफड़ा, AFFIRS affairs.gov.in, minorityaffairs.government.in, इसमें तुम्हें मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ उसमें
जो भी है सिर्फ देखने के लिए बोल रहा हूँ, मेन जो वेबसाइट है स्कॉलरशिप के लिए वो परफेक्ट है, उसी के मुताबिक ही तुम्हें चलना होगा। अभी स्कॉलरशिप के लिए सिर्फ एक लाइन में वो स्कीम तुम्हें समझा देता हूँ, बाद में पूरी डिटेल दूंगा, लेकिन लिमिटेड दूंगा, बहुत छोटी सी चीज़ है, इसीलिए मुझे बहुत इंटरेस्ट है लेकिन टाइम हमारे पास कम है बहुत ही, क्योंकि मेरा लेक्चर 2.5 घंटे का, 1 कला क्वेश्चन आंसर मिनिमम रहता है, इसलिए हम आधे टाइम में पूरा करना है और बहुत ही देनी है डिटेल्स। तो उसमें जैन का बेटा या बेटी स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर 10th, 11th, 12th डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा और लास्ट वाली डिग्री है इंडिया में PhD। जैन का बेटा या बेटी, फिर से बोलता हूँ, स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेके PhD तक पढ़े, जब तक पढ़े, जो भी पढ़े, कोई भी स्कूल या कॉलेज में पढ़े, ग्रांटेड, नॉन ग्रांटेड, प्राइवेट, कोई भी स्कूल या गवर्नमेंट की हो या कुछ भी हो, सरकारी, गैर सरकारी, कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई भी, यानी कि जैन का बेटा या बेटी स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेके PhD तक पढ़े, जो भी पढ़े, जब तक पढ़े, कोई भी स्कूल या कॉलेज में पढ़े, तब तक हर साल और सालों साल मिलती रहे ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम, यानी जैन माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम। अभी उसमें जो भी है इनकम की लिमिट है वो सिर्फ 2.5 लाख है। अभी वीडियो वाले भाई ज़रा बंद कर देंगे, दो मिनट। आप कहोगे कि हो गया 2.5 लाख में क्या होगा, पहले तो जो भी है छोटे छोटे सिटी के, तहसील के, तो वो उसके इनकम टैक्स रिटर्न होता है वो नील, यानी कि 2 लाख 2.5 लाख के ही होते हैं, यानी कि वो मोस्ट ऑफ कवर हो जाते हैं, सबसे पहली बात बिजनेसमैन की। दूसरी बात, उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार से लेना होता है, बराबर है? तो वो इनकम सर्टिफिकेट के लिए मैंने जैसे पहले बोला, वो तुम्हें मैंने सिर्फ कहा था, अभी ओपन कहूँगा कि तहसीलदार की ऑफिस के बाहर जो बैठता है, यदि तुम सभी जैन लोगों को एक साथ जो भी ओके उसके साथ सेट कर लोगे कि भाई हमारा कोई भी जैन आएगा, तुझे 50,000 लाख का, 2 लाख का, जो भी जैसा भी कहे, बन जाएगा सर्टिफिकेट इनकम का, वो लगा दो, तुम स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो और बहुत सारा पैसा मिल सकता है। तो अभी ये जो भी है स्कीम, यानी कि सभी लोग कवर होते हैं, सभी लोगों को पैसा मिलता है, अभी तक किसी को फ़ोन भी नहीं आया, और हम तो क्या है 50,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख का लगाते हैं, बाकी वो मुस्लिम लोग तो 15,000, 20,000, 7 बच्चे होते फिर भी, तो समझो, यानी कि कोई किसी को भी इंक्वायरी नहीं आई, मेरी बात ये है, अभी कोई बात नहीं है, वीडियो चालू हो जाए तो, बराबर है? तो ये जो भी है हम ऐसा फ़ायदा ले सकते हैं सभी लोग। अभी मैं इसकी 3 स्कीमें फटाफट बोल देता हूँ। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, मैट्रिक यानी सभी को पता है 10th स्टैंडर्ड, बराबर, प्री मैट्रिक यानी कि 10 के पहले जो भी पढ़ते हैं उसको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के स्कीम के तहत मिलता है और उसको अप्लाई करना होता है। उसमें 1,000 से लेकर 5,000 प्लस बोर्डिंग का भी 4,000, 4,500। एक बात है, आपको ऐसा लगेगा कि 1,000 वाली स्कीम के लिए पारस भाई इतना सारा बोल रहे, यदि तुम 1,100 रुपया 500 रुपया या 1,000 छोड़ोगे, तुम्हारा हक का है। मैंने पूरे गुजरात में यह सिखाया था और सभी ने बहुत फ़ायदा लिया, पूरे गुजरात ने लिया, सबसे पहले 2014 में स्टार्ट ही किया था तभी, कि ये तुम्हें छोड़ना नहीं है, 200 रुपये का खर्च होगा एफिडेविट का, तब खर्च होता था, अभी एफिडेविट नहीं करनी होती है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैंने तभी समझाया था कि 200 का 6 महीने में 1,000 हो जाता है, कौन से बिजनेस में 5 गुना होता है, लेकिन हमारा हक है, मेन बात ये है। यदि तुम 100, 200, 500, 1,000 छोड़ोगे, फिर तुम 25,000 छोड़ोगे, चलो 25,000 MBBS वाले को मिलते क्या फ़र्क पड़ता है, फिर बाद में तुम 50,000 लाख, फिर जो बैंक में तुम एजुकेशन के लिए लोन के लिए जाओगे, तो बैंक के साहब के पास जैन है इतने सारे बिजी है, मुझे तो पता है, व्हाट्सएप में मैसेज भेजता रहता हूँ ना, ये तुम सभी लोगों को EWS का पता नहीं ना, पूरी की पूरी डिटेल वाला लॉन्गेस्ट मैसेज पारस भाई लास्टिया के होते हैं, पूरे इंडिया में भेजता हूँ, 700 ग्रुप में हूँ मैं इंडिया के जैनों के व्हाट्सएप ग्रुप में, कि जिससे सभी को मिल जाए मैसेज, लेकिन हमारे पास टाइम जरा भी नहीं है, चाहे मैं कितनी बार रिपीट करूँ, पढ़ेगा कोई तो ना। तो इसीलिए बाद में क्या होता है कि ये 25 लाख की लोन तो चाहिए, लेकिन बैंक में गए और साला ये 5 धक्का हो गया, ये तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, 25 लाख के लिए भी टाइम नहीं है, तो वो भी तुम छोड़ोगे, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। बैंक के साहब खुद आए हैं कि आपको नियम के मुताबिक चलोगे तो लोन भी मिलेगी, इजीली मिलेगी, लेकिन नियम के मुताबिक पारस भाई जाएगा तो भी नियम के बाहर 1 रुपया भी नहीं मिलेगा,
बहुत सारे पैसे मिल भी चुके हैं, दिला भी चुका हूँ, बहुत पढ़े सभी साइड में मिल चुके हैं बिजनेस के लिए वगैरह। वो कौन कौन सी मोस्ट ऑफ स्कीम्स खास करके अभी ध्यान रखना है तुम्हें सभी लोगों को, कि नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट की मोस्ट ऑफ स्कीम्स नेशनलाइज बैंक के थ्रू ही रहेगी और है अभी, और मोस्ट ऑफ वहीं पर से ही मिलता है पैसा। हम अल्पसंख्यक आयोग में जाए वगैरह वहीं पर पैसा होता नहीं है। गुजरात में जाए, राजस्थान में जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, कहीं पर भी, कर्नाटक में तो अच्छी है पोजीशन, वहीं पर वो बोलते हैं 2 साल से कोई फंड ही नहीं आया है और आया है तो मुस्लिम को दे दिया। तो वहीं पर उसको छोड़ो, आपके घर के नज़दीक है, मैं वो एड्रेस दिखा रहा हूँ, एक नहीं दूसरी बैंक, दूसरी नहीं तीसरी बैंक, वहीं पर से तुम्हें पैसा मिलेगा इजीली। मैंने बोला था इजीली तुम्हें पैसा मिले, तुम्हें जो दे दिया है फॉर्म वगैरह उसमें भी फॉर्म है, सेंट्रल बैंक का ही फॉर्म है, एप्लीकेशन, लोन एप्लीकेशन फॉर्म देख लेना, उससे तुम्हें 1.5 करोड़ तक मिलता है। तुम्हें सेंट्रल बैंक का तुम्हें पेम्पलेट भी मिला है, उसमें लिखा है इंडिया में पढ़ने के लिए 10 लाख और फॉरेन में पढ़ने के लिए 20 लाख। उसमें तुम्हें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर देता हूँ, मुझे पता है, हाँ मैं कन्फर्म हूँ और दिला भी चुका हूँ, सेंट्रल बैंक के थ्रू ही दिला चुका हूँ। इंडिया में 50 लाख 75 लाख जो भी चाहे मिलेगा, बराबर है? वो साहब कहेंगे तो उसको भी सर्कुलर दिखाऊंगा, RBI का वगैरह जो भी है, बराबर है? और प्लस IBM का, इंडियन बैंक IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन का, RBI का वगैरह, और दिला भी चुका हूँ। तो इंडिया में भी 75 लाख तक मिलेगा, 1.5 करोड़ फायदे के साथ मिलेगा। पहले तो लोन मिल जाए और बाद में फ़ायदे के साथ, कौन कौन से फ़ायदे वो भी बताऊँगा, और बहुत सारे फ़ायदे हैं, सिर्फ 2-5 हज़ार के फ़ायदे नहीं है, लाखों के फ़ायदे, प्लस सब्सिडी मिले वो भी बात अलग है। वो सब्सिडी के लिए मोस्टली सभी स्कीम्स में 6 लाख तक की इनकम की लिमिट रहती है। जिसको भी फ़ायदा लेना हो सब्सिडी का, सिर्फ एलिजिबल, सभी को मिलेगी सब्सिडी ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट करेगी तो ही मिलेगा, लेकिन तुम्हें एलिजिबल भी होना है। तो कोई चाहे कुछ भी कहे, तुम्हारे फैमिली का IT रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न 6 लाख से ज़्यादा मत बढ़ाना, कि तुम इनकम टैक्स रिटर्न ज़्यादा भरोगे उसमें ज़्यादा लिखोगे तो ही बैंक में से लोन मिलेगी, ऐसा नहीं है कुछ। इनकम टैक्स रिटर्न नहीं हो तो भी 25-25 35 लाख 40 लाख 50 लाख दिला चुका हूँ, इनकम टैक्स रिटर्न न हो तो भी, बराबर सुनो। यानी कि तुम सोच समझ के करना है, हमें इनकम नहीं है फिर भी ज़्यादा भर रहे हो, क्योंकि बैंक में हमें बोगस दिखाना है कि पैसा मिल जाएगा, ऐसे पैसा कोई ज़रूरत ही नहीं है। तुम सब्सिडी के जो भी बेनिफिट्स है वो भी गंवा रहे हो, तो इसीलिए जो भी है तुम्हें ये भी फायदे मिलते हैं। अभी ये मैंने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, बाद में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का बोलता हूँ, 10 के बाद 11, 12 और जो भी कॉलेज डिग्री, मास्टर डिग्री, डिप्लोमा, डिग्री कौन सी वाली, पुरानी वाली, BA, BCom, BSc, मास्टर डिग्री पुरानी वाली, MA, MCom, MSc, ये सभी इसमें कवर होता है। उसमें MBBS, इंजीनियरिंग वगैरह के लिए 25,000 तक मिलते हैं, यदि गवर्नमेंट ग्रांट करे तो। तुम्हें सिर्फ एक फॉर्म भरना है, कहीं पर भी जाके तुम पैसा लो, अच्छी बात है, ज़रूरत है, बराबर है, लेकिन ये तुम्हें स्कॉलरशिप के हिसाब से मिलेगा। स्कॉलरशिप यानी बहुत बड़ी चीज़ रहती है, स्कॉलरशिप के लिए एग्ज़ाम देनी पड़ती है, 2-3 महीने तक बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, ये माइनॉरिटी में है, इसीलिए फ़ायदे मिलते हैं हमें, बराबर है। मैं खुद दे चुका हूँ स्कॉलरशिप के लिए, एग्ज़ाम देनी थी, 3 महीने तक मैंने क्लासेस भी भरे थे, बहुत मेहनत भी की थी, पास की थी, सिर्फ 25 रुपये की स्कॉलरशिप थी हर महीने 25 रुपया, वो भी नहीं मिला था, लेकिन इसमें मिलेगा पैसा, सिर्फ फॉर्म भरने से मिलेगा, क्योंकि तुम माइनॉरिटी में हो इसीलिए, बराबर है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा, और स्कॉलरशिप है वो तुम्हारी ब्रिलियंसी का अवार्ड है, रिवार्ड है, अवार्ड नहीं रिवार्ड है। 50% के ऊपर हो तो ही मिलेगा, जिसको 50% के नीचे उसको नहीं मिलेगा। तो ये सभी तुम्हें फ़ायदा है। बाद में मेरिट कम मीन्स जिसमें MBBS वगैरह वाले रहते हैं 25,000 मिलते हैं, वो मास्टर डिग्री भी उसमें रहती है, ये CS, CS, CWS और जो भी MBA वगैरह, ये IIM, IIT, IIM में पढ़ते हैं उसको पूरी की पूरी फ़ीस, हाँ उसमें भी मैं मैक्सिमम 1.5 लाख तक दिला चुका हूँ, लेकिन 2.5-3 लाख तक मिलता है ऐसा इंदौर वाले भाई ने बोला था, बाकी बाद में प्रूफ नहीं भेजा था, तो प्रूफ के बगैर मैं बोलूँगा नहीं। तो पूरी की पूरी फ़ीस यानी IIM की फ़ीस समझो 22.5 लाख से मिलती है, तो अच्छी बात है, मैं खुश हूँ, लेकिन 1.5 लाख तक तुम्हें हर साल का मिलेगा, यानी कि तुम्हें हक का मिलेगा, वापस नहीं देना है। तो ये सभी स्कीम है, ये तुम्हें स्कॉलरशिप का छोटी सी, बहुत ही कम में बताया मैंने, बहुत सारी इसमें बात है, लेकिन ये scholarship.government.in, उसमें क्या क्या तुम्हें लगाने हैं पेपर्स वगैरह, वो वेबसाइट पर मिल जाएगा, मुझे पूछने की, मुझे यहाँ पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उसको ही फॉलो करना है, मुझे भी नहीं फॉलो करना है। बाद में दूसरी बात है, अभी EWS का देखा है, अभी मेडिकल के लिए, मेडिकल में आयुष्मान करके जो भी है स्कीम,
बाद में अभी नया निकलेगा, पुरानी वाली जो भी इनकम है उसके हिसाब से तुम्हें फ़ायदा मिलता है। गुजरात में तो माँ अमृतम वात्सल्य कार्ड है, गुजरात वाले यहाँ पर हो तो उसके साथ बता दूँ मैं, बहुत सारे फायदे हैं। 5-5 लगती जो भी ट्रीटमेंट है, कोई भी मेरा दुश्मन भी ना जाए, बोलते हैं ना हम हॉस्पिटल में, लेकिन कभी भी जाना पड़ता है वो हमें पता है। तो ये जो भी है आयुष्मान कार्ड वगैरह, और जो भी समझो कोई भी है वो दूसरी बार जब भी इनकम वगैरह का आए तो तुम सोच समझ के इनकम लिखाना, तो ऑटोमेटिकली तुम आयुष्मान में कवर हो जाओगे और तुम्हें पूरा का पूरा फ्री में वो मेडिकल साइड के हिसाब से सभी साइड, और प्राइवेट हॉस्पिटल में, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना होता है। सभी को पता हो तो पता नहीं है, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ जिससे तुम्हें फ़ायदा हो जाए। और दूसरा हाउसिंग में, जो भूल गया था एक बात, हाउसिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना यानी हमें पता होता है वो जो भी फ्लैट होते हैं या मकान होते हैं उसमें ऊपर से पानी गिरे वही आवास योजना वाले होते हैं, पक्का रहता है उसमें। लेकिन वो वाला मकान या फ्लैट नहीं लेना होता है, तुम चाहे कोई भी नया फ्लैट लो या नया घर लो, उसके जो भी क्राइटेरिया है कि इतना ही तुम्हारा होना चाहिए स्क्वायर फीट का जो भी है उसका कंस्ट्रक्शन, तो उसमें तुम्हें फ़ायदा मिल सकता है। 15 लाख में तुम्हें 2.5-2.5 लाख और 2,17,000 तक तुम्हें सब्सिडी मिलती है। इनकम की लिमिट 6 लाख तक की है, उसको सब बहुत फ़ायदे मिलते हैं। बाकी 15 लाख तक की तुम्हें इनकम हो तो भी तुम्हें इंटरेस्ट में सब्सिडी मिलेगी। प्लस यदि तुम्हारा मकान फ्लैट या कुछ भी तुम्हें रिपेयर करवाना है, नया पुराना जो भी कहे हमारा है वो सोने का है, तो उसमें भी तुम्हें लोन मिलती है और उसमें भी तुम्हें सब्सिडी के फ़ायदे मिलते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है और ये कॉमन स्कीम है, ये कोई माइनॉरिटी की स्कीम नहीं है। अभी आगे तुम्हें बताऊँ बिजनेस के लिए, बिजनेस में तुम्हें, और अभी पढ़ने का ही क्लियर कर दूँ कि पढ़ने में एडमिशन में यदि जैन मराठी स्कूल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, समझो वहीं पर यूपी में है, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी TMU, तो वहीं पर तुम्हें हमें 51% हमारे लिए रिजर्व कोटा रहता है। समझो उसकी 100 की कैपेसिटी है एक ही क्लास में, तो उसमें 51 लोगों को वो अलग से, उसके कम हो या ज़्यादा हो 51 जैन को वो ले सकते हैं। वैसे वो वालचंद नगर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया की टॉप 10 में आती है, बराबर तुम्हें काम ध्यान में आएगा ये सब कुछ पढ़ने वाले को। तो वहीं पर भी हमारा जैन माइनॉरिटी का वो कॉलेज है, बराबर है। दूसरी वो नासिक में भी है, गुरुकुल करके है, तो वहीं पर भी वो जैनों की है, तो वो सभी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। वहीं पर हमें जैनों के लिए अलग मेरिट लिस्ट बनेगी, जनरल में तो मिलेगा ही तुम्हें फ़ायदा, लेकिन वो 51% यानी 50% ही गिनो, तो 50 जो भी है हमारे जैनों को, जब समझो उसकी 50 सीट के लिए 75 एप्लीकेशन है, वो 75 में से 50 बच्चों को मिल ही जाएगा एडमिशन, चाहे वो टॉप 10 में है वो WIT वालचंद नगर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके शेयर की कीमत भी बहुत बड़ी है, बहुत नाम है उसका, उसके कंपनी का भी। तो ये सभी फ़ायदे भी है। तो हमारे जैन माइनॉरिटी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी वो बनाने का भी प्लान चल रहा है। और साथ में एक बात भी बताऊँ, प्रकाश भाई के साथ बात हुई थी, कोई भी संस्था, बड़ी संस्था गुजरात की है तो साथ में मुझे याद आ गया इसलिए, कि कोई भी यदि बेटियों के लिए बनाना चाहते हैं छात्रालय, तो उसको गुजरात सरकार कोई भी कास्ट का हो तो उसको बहुत ही ज़मीन देगी, टोकन रेट पे देगी। तो यदि हमारे जैन महाराज साहब, यहीं बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत ट्रस्टी भी है, बहुत दानवीर भी है, बहुत बड़े लोग भी है, तो ये भी सोच सकते हैं, जिससे क्या है हमें फ़ायदा हो सके। और वो भी तुम्हें सब बड़े बड़े जो भी सिटीज़ है, राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, जहाँ पर ज़मीन की बहुत ही वैल्यू रहती है, बहुत ही ऊँचे होते हैं रेट्स, वहीं पर तुम्हें दी जाएगी। तो ये भी तुम्हें ध्यान में रखना है, यह गुजरात के लिए स्कीम है, लेकिन याद आ गया तो साथ में बता दिया। तो ये जो भी है जैन मराठी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का फ़ायदा क्या है, सबसे सरकार कुछ भी इंटरफियर, मैंने सबसे पहले ही बोला जैन और माइनॉरिटी, दो शब्द गिने या एक, सरकार कुछ भी हमारी बात में इंटरफियर कर नहीं सकती। हम जैसे भी चलाना चाहे, चाहे अपनी प्राइवेट पेढ़ी हो, वैसे चला सकते हैं कुछ भी। अभी मैंने एक कहा कि हमारा एक कोई भी धर्मस्थानक था, उसमें हमने कोर्ट में जीत गए हम, कोई दूसरा कुछ हुआ था, अरे भाई माइनॉरिटी में सब कुछ हो ही जाता है, तुम माइनॉरिटी का फ़ायदा लो। माइनॉरिटी में कोई भी तुम्हें कुछ, कोई भी मस्जिद में जाकर कहीं पर भी अंदर घुस गया, कोई जाना भी नहीं चाहता है, यदि जाए न जाए वादा अलग है, लेकिन वहीं पर प्रोटेक्शन इतना रहता है। तो इसीलिए क्या है कि ये सब कुछ बहुत ही काम की चीज़ है। तो ये बाद में तुम्हें जो भी है आगे एडमिशन में, ये सभी जैन माइनॉरिटी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और बहुत सारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने का हमारे बड़ी बड़ी संस्थाओं, बड़ी बड़ी महाराज साहब है, वो सभी लोग सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा फ़ायदा है, जिससे हमारे बच्चे वगैरह रह सके। उसमें भी जैन मराठी स्कूल कॉलेज के लिए भी कम रेट पे ज़मीन मिलती है, और प्लस
बहुत सारे फायदे रहते हैं, इजीली बड़ी जो भी मिल जाती है परमिशन सब कुछ, यानी कि और कुल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कम तो कम यानी कि 10-15-25 लाख लेकिन कम रेट से पैसा मिलता है। यदि तुम्हारे पास सब कुछ है, ग्राउंड फ्लोर है तो फर्स्ट फ्लोर बनाने का मिलेगा, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर दोनों है तो लेबोरेटरी बनानी है, लाइब्रेरी बनानी है, यानी कि सब कुछ मिलता है कम रेट पे, कम पैसे से मिल सकता है। और खास फायदा यह है कि पूरा प्रोटेक्शन रहता है, गवर्नमेंट उसमें इंटरफियरेंस नहीं कर सकती। वो जो भी है अभी नई स्कीम निकली है वो पूरे इंडिया में राइट टू एजुकेशन RTE, याद आ गया मुझे, RTE के तहत जो भी है RTE सुप्रीम कोर्ट के खुद के डिसीजन है, वो बोलती है कि RTE के हिसाब से सभी बच्चों को मिलना चाहिए। वैसे बहुत बड़ी से बड़ी स्कूल में, चाहे झोपड़ का झोपड़पट्टी में रहता है वो भी बच्चा बड़ी बड़ी स्कूल में पढ़ना चाहिए, पढ़ सकता है। तो वहीं पर RTE ये जैन मराठी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को लागू नहीं होती, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। यानी कि RTE इतना सारा, यानी कि माइनॉरिटी का इतना बड़ा बेनिफिट है कि कोई हमें इंटरफियर नहीं कर सकता, हमें कोई भी अधिग्रहण नहीं कर लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। एक हमारे संस्था का ऐसा ही था, मुझे याद आ गया, जो भी कि अधिग्रहण कर लिया था सरकार ने, अरे तुम कर क्या रहे हो, माइनॉरिटी में वो कर दो, लिख दो, सेंट्रल गवर्नमेंट में भेज दो, जीतो वाले सुनील भाई सिंह की वहीं पर बोर्ड में भी है दिल्ली में, उसको भेजो RTE की कंप्लेन करोगे माइनॉरिटी में, फिर भी ये सब कुछ हो रहा है, ऑटोमेटिकली वहीं पर से रिपोर्ट मंगवाएंगे, उसको लिखेंगे कि ये भाई क्या कर रहे हो, कोई जो करता है वो तो एजुकेशन बोर्ड वाले ही करते हैं, बात बंद हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से सब कुछ। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, माइनॉरिटी का स्पेशल बोर्ड रहता है, मैं साथ में वो भी बताऊँ कि जैन का बच्चा है एक, गुजराती में बोले ना झापट, और हिंदी में क्या बोलते हैं, थप्पड़, थप्पड़ भूल गया, वैसे हिंदी तो बहुत बोलना भूल गया, थप्पड़ लगाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दूसरा भी खा लेगा, वो ज़माना चला गया माइनॉरिटी स्टेटस के हिसाब से। तुम कंप्लेन करोगे दिल्ली में, कंप्लेन करोगे चाहे बड़ा सिटी है तो पुलिस कमिश्नर नहीं तो DSP, बराबर है, उसके पास जाएगी, वो DYSP को देगा, DYSP PI को, पुलिस इंस्पेक्टर को देगा, पुलिस इंस्पेक्टर PSI को देगा, बाद में हेड कॉन्स्टेबल जाएगा सामने वाली कास्ट वाले को समझाने के लिए कि एक बार तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ, दूसरी बार कंप्लेन आएगी ना तो मैं तुम्हें अपने तरीके से समझाऊंगा। इतना सारा प्रोटेक्शन है इसमें कि हमें कोई टच भी नहीं कर सकता। ये माइनॉरिटी स्टेटस के फायदे हैं सभी, बहुत सारे हैं। तो हमारे धर्मस्थानक तो कैसे टच कर सकता है, कोई बात ही नहीं है। धर्म को, धर्मस्थानक को, हमारे धर्म की बुक्स को, हमारे जो भी धर्म का हमारा वारसा है जो भी बहुत पुराना, तो वो सब कुछ इतने सारे फायदे हैं कि जैसे कहीं पर भी हमें प्रॉब्लम रहता था कि ये देरासर में ये सरकार कब्जा कर लेगी, ये कर लेगी, अधिग्रहण कर लेगी, कुछ नहीं हो पाएगा। अभी ये सब शुरू हुआ है 27 जनवरी 2014 से, 6 साल हो जाएंगे कांग्रेस की सरकार में, मैं BJP में हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, तभी से हमें फ़ायदे मिल रहे हैं, बराबर है, लेकिन बहुत सारे फायदे हैं। और अभी आगे एजुकेशन में कि स्कूल के लिए एडमिशन वगैरह की बात कर दी, EWS में भी एडमिशन का फ़ायदा रहेगा, EWS में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा तुम्हें, बराबर है। अभी एजुकेशन के लिए स्कूल में कॉलेज में पढ़ने के लिए लोन, स्कूल में नहीं कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो वो भी मिलती है, वो बाद में मैं बोलता हूँ, बराबर है। फॉरेन यदि जाना है जिंदगी में सिर्फ एक बार ही, चाहे बहुत बड़े बिजनेसमैन हो तो भी उसका बच्चा यदि पढ़ने के लिए जाएगा तो वहीं पर कंपनी में आएगा, उसका जो भी कोई भी होगा तो सेट है, वो फॉरेन में मास्टर डिग्री USA में करके आए, उसका प्रभावी अलग रहता है। अहमदाबाद में चाहे 10,000 आप अपने जैन के समझो 5,000 इंजीनियर है, उसमें 5 ही सिर्फ कनाडा, अमेरिका या वहीं पर जर्मनी में जाके इंजीनियर बन के आए, ये जर्मनी में पढ़ के आया है मास्टर डिग्री। तुम्हारा स्टेटस अलग रहेगा, तुम्हारे पास नॉलेज भी होगा, तुम वहीं पर क्या पढ़ना होता है वो भी सीख पाओगे, समझो ना, घूमने के लिए गए और वापस आए, वो कैसे वो मैं बताऊँगा, और प्लस तुम्हारा स्टेटस रहेगा, पूरे समाज में स्टेटस रहेगा, सभी साइड से फायदा है। वो अभी बाद में, वो पूरा का पूरा एक टॉपिक है, फॉरेन एजुकेशन लोन, फॉरेन एजुकेशन, बराबर है। तो जो भी है ये लोन का मैं बाद में बताऊँगा, उसके लिए हम साहब को आमंत्रित भी करेंगे, क्या साहब नहीं है, बराबर है, तो वहीं पर वो सभी साहब को भी बुलाएंगे हम कि कोई भी टाइप नहीं है, जो भी हमें तुम्हें है कोई भी टाइप की लोन हो उसमें फ़ायदे भी रहते हैं, सिर्फ लोन तो मिलेगी वो सबसे पहली बड़ी बात है। तो ये जो भी है प्लस आगे बताऊं कि बिज़नेस के लिए, बिज़नेस में भी लोन मिलती है जैनों को, हमारे जो भी अल्पसंख्यक की रहती है हर एक स्टेट में ऑफिस, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे रहती है, उसमें मैक्सिमम 2 लाख तक का मिलेगा, कम इंटरेस्ट रेट वाली लोन मिलेगी। पीछे कोई बोल रहा है, तो
उसमें सिर्फ 2 लाख तक, यानी कि उसमें कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन 25 लाख तक की लोन भी है। 25 लाख तक की लोन हर एक जिले के मेन डिस्ट्रिक्ट वाले सिटी में, जिला उद्योग केंद्र लिखना हो तो लिख लेना, जिला उद्योग केंद्र रहता है DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, वहीं पर लोन मिलती है। 25 लाख तक की मिलती है, मशीनरी के लिए मिलती है, बिजनेस के लिए लिमिटेड मिलती है, लेकिन उसका लिस्ट में वहीं पर जाओगे बाद में तुम कहोगे भाई वहीं पर जाते हैं लेकिन नहीं मिलता है, लेकिन उसके लिए जाएगी वो बैंक में एप्लीकेशन, तुम्हें फ़ायदा मिलता है कितना, 25% सब्सिडी मिलती है। वो फ़ायदा यदि लेना है बैंक वाले है वो तुम्हारे पास से मांगेंगे ही मॉर्गेज। तुमने मॉर्गेज घर पे ही, घर जो हमारा पड़ा है ऐसे ही पड़ा है, तो मॉर्गेज का खर्चा कितना आएगा, 25-30 हज़ार, लेकिन तुम्हें फ़ायदा हो रहा है 25 लाख के लोन में कितना, 6.25 लाख का, या समझो कि 2 लाख का, 3 लाख का, जो भी माने कुछ भी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, लोन भी मिल जाएगी, बिजनेस में काम भी आ जाएगी, सब्सिडी भी मिल जाएगी। तो वहीं पर जाके तुम्हें बात करनी पड़ेगी कि साहब मैं मॉर्गेज देने के लिए तैयार हूँ, तो वो बोलेंगे तो तुम्हारी लोन हो सकती है, क्योंकि उसका भी समझो बैंक में भी तुम्हें पता ही है, अभी 1.5-2 साल पहले ये पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम हुआ था तभी, कि बहुत ही बिगड़ चुकी थी हालत सभी बैंकों की, तो बैंक में बैंक वाले खुद जो बैंक के साहब होते हैं, बैंक कहे, नेशनलाइज बैंक कहे, क्यों प्राइवेट बैंक वाले नहीं देते, वहीं पर तो हम नहीं बोलते हमारा हक है दुआ में, वो बोलेंगे तुम्हारा ठीक नहीं है IT रिटर्न, तुम्हारी इनकम ठीक नहीं है, तो इसीलिए वो ये भी बैंक ही है, वो अपना सेफ्टी साइड देखती है। तो हम देंगे तो वहीं पर बिजनेस लोन का भी पैसा मिलेगा, ये 1.5-2 लाख का भी मिलता है, इजीली मिलता है, प्लस ये जो भी है ये 25 लाख तक की भी मिलेगा। एक करोड़ की भी स्कीम है उसमें 25% मार्जिन भर के पैसा मिलता है, वो तो यहाँ पर गुजरात में देंगे या नहीं देंगे पता नहीं है, साहब आए हैं वो गुजरात से ही आए हैं, गुजरात के ही साहब है, और महाराष्ट्र में मैं मुझे बोला था कि तुम्हें बोलना, लेकिन मेरे स्कीम पता है इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, जिससे कोई भी साहब यदि तुम्हारे साथ यदि पॉसिबल हुआ तो तुम फ़ायदा ले सको। उसमें 25% तुम्हें मार्जिन भरना पड़ता है, लेकिन माइनॉरिटी वाले लोगों को सिर्फ 10% मार्जिन देना होता है, यानी कि 1 करोड़ में 15 लाख का फायदा तो ऐसे ही हो गया। तुम्हें 25 लाख मार्जिन देने के बदले सिर्फ 10 लाख मार्जिन देना पड़ेगा, ये भी बड़ा फायदा है बिजनेस लोन के लिए, 1 करोड़ तक की लोन के लिए। तो ये भी बिजनेस लोन का भी साथ में आ गया, अभी जो भी है बाद में, जो भी धर्मस्थानक वगैरह का मैंने बोला अभी बाद में, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, अभी आधे घंटे में जो भी मैंने बोला था, सबसे पहले इंडियन एजुकेशन लोन का बोलता हूँ। इंडियन एजुकेशन लोन है उसमें माइनॉरिटी के हिसाब से फ़ायदे नहीं है, कॉमन फ़ायदे तुम्हें मिलेंगे, और ये मैं फॉरेन एजुकेशन लोन का बोलूँगा उसमें से मोस्ट ऑफ फ़ायदे तुम्हें मिलेंगे बराबर, लेकिन मिलेंगे मिलते हैं। सब्सिडी का फ़ायदा 6 लाख के अंदर की ही मिलेगा, 6 लाख के ऊपर, वो भी साथ में बोल दूँ क्लियर, 6 लाख के ऊपर तुम्हारी इनकम है तो लोन नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है, लोन तो मिलेगी, फ़ायदे भी मिलेंगे, माइनॉरिटी के हिसाब से नहीं, कॉमन वाले फ़ायदे होंगे वो भी माइनॉरिटी के हिसाब से भी मिलेंगे, लेकिन लिमिटेड, सब्सिडी एक नहीं मिलेगी, बाकी के फ़ायदे भी मिलेंगे। क्या क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं है, एक खास बात है कि 7.5 लाख के ऊपर तुम्हें मॉर्गेज करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी बैंक में जाओ, यानी कि मॉर्गेज के बगैर पैसा चाहिए तो वो साहब बोलेंगे कि साहब मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, ज़्यादा कहेंगे कि डोर उस तरफ है, हम देसी भाषा में बोले ना, तो यानी कि मॉर्गेज करना, क्योंकि उसके नियम है, नियम के बाहर, मैंने बोला ना पारस भाई जाएंगे तो भी पहचान है, मेरी सेवा के फैन है बराबर, 2-3 बैंक में, सेंट्रल बैंक में भी है और भी बैंक में है, तो समझो कि वो मेरे को भी पैसा नहीं देंगे, लेकिन पैसा चाहिए तो मॉर्गेज करना पड़ेगा, उसमें फ़ायदे भी है। फॉरेन एजुकेशन लोन और इंडियन एजुकेशन लोन, खास करके फॉरेन एजुकेशन लोन, मैं उस जो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन किया था वो मैं बता रहा हूँ, कि 35 लाख के सामने तुम्हें 50 लाख मिल जाए, नौकरी तुम्हें 2 लाख के बदले 50 लाख की करो, अभी वो आएगी फॉरेन में स्टडी करने के लिए जाने की बात, अभी मैं उसमें बोलूँ कि USA जाना है तो 2 साल का, अभी थोड़ा सा बढ़ गया 40 लाख 45 लाख हो गया, बाकी नहीं 6 महीने तक 35 लाख ही थे, 35 लाख खाना पीना रहना पढ़ना सब कुछ A to Z टोटल खर्च, बराबर सुनना है, A to Z टोटल खर्च तुम्हें 35 लाख का आता है USA में जाना है पढ़ने के लिए। आप कहोगे कि वीज़ा नहीं मिलता है, वीज़ा भी इजीली मिल जाता है, मेरे वीडियो में मैंने बताया भी है उसका राज, वीज़ा वाले भी बोल रहे थे कि नहीं मिलते, लेकिन मैंने बताया था, वो सभी हमारे जैन बच्चों को तो बहुत ही खुश है, वो वीडियो सुन सुन के मिल गया हमें, वो जो भी है कंसल्टेंट या काउंसिलर, फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट और काउंसिलर, वीज़ा कंसल्टेंट, वो भी उसमें से सीख गए,
कि ये साला ऐसे भी इजीली मिल सकता है वीज़ा। प्रॉब्लम ये था कि यूएसए पढ़ने के लिए जाना है, बाद में वीज़ा नहीं मिलेगा, तो वो इजी कर दिया, सब कुछ इजी कर दिया है। तो वो जो भी है कि भाई 35 लाख खर्च टोटल 2 साल का, मास्टर डिग्री पूरे साल पूरे वर्ल्ड में मोस्टली 2 साल की रहती है, बाकी 3 साल की भी होती है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, 8 महीने की भी मैंने सुनी, और 60 लाख तो फीस थी सिर्फ फीस, तो यानी सब कुछ, लेकिन जनरली 2 साल। तो तुम्हें मैं उसके लिए फॉरेन एजुकेशन लोन के लिए सिर्फ एक लाइन में, जैसे स्कॉलरशिप में मैंने समझाया था वैसे ही, सिर्फ एक लाइन में, वो ऐसी स्कीम है कि सरकार के पैसों से खाओ पियो रहो पढ़ो और कमा के वापिस दो। सभी जाना चाहेंगे ना, सरकार के पैसों से खाओ पियो रहो पढ़ो और कमा के वापिस दो, लेकिन 3 साल तक तुम्हें ये छूट रहेगी। ऐसा नहीं है कि चलो अब 5 साल के बाद कमा के देंगे, तो नहीं चलेगा। 2 साल पढ़ने का, 1 साल तुम्हें रीपे करने के लिए, लेकिन छूट मिलेगी कि 3 साल तक तुम्हें एक भी पैसा न पे करो तो भी चलेगा। ये बहुत ही बेस्ट स्कीम है, नहीं तो गवर्नमेंट की स्कीम होती है उसमें कुछ दम नहीं होता है, हम बोलते हैं ना, लेकिन ये पूरे दम वाली, पूरे माइंड लगा के बनाई हुई स्कीम है, मुझे तो बेस्ट स्कीम लगती है ये। तो ये जो भी है, तुम बहुत ही इजीली पैसा भी मिल सकता है, पढ़ भी सकते हो, 35 लाख यूएसए जाने का, 2 साल का खाना पीना रहना पढ़ना, बाद में 2 साल के बाद मिनिमम 50 लाख रुपये सभी की सर्विस स्टार्ट होती है। ये जो मैंने बोल रहा था ना, 2 साल तक के 35 लाख, बाद में 50 लाख, 50 लाख में सिर्फ उसका इनकम टैक्स जाएगा और खाने पीने का थोड़ा सा ही पैसा जाएगा, बाकी के बच सकते हैं। 8 साल में 3 पीढ़ी करोड़पति बन सकती है, कैसे? मैं तो बोलता हूँ 8 साल में 4 पीढ़ी बन सकती है करोड़पति, क्योंकि 2 साल पढ़ने के बाद 8 साल तुम 50-50 लाख कमाओगे तो 4 करोड़ तो ऐसे ही होगे। मैं तो कम बोल रहा हूँ, 3 पीढ़ी का बोल रहा हूँ, 3 करोड़ इजीली कमा सकते हो। सभी की मिनिमम सैलरी स्टार्ट होती है। तुम कहोगे कि पारस भाई बात तो अच्छी है, लेकिन खास करके मैं बताऊँ, गुजरात में और मुंबई में से बहुत सारे गए, गुजराती मारवाड़ी, मेरे को सिर्फ जैन यानी जैन, ना दिगंबर ना श्वेतंबर ना देरावासी ना स्थानकवासी ना तेरापंथी कोई भी। तो तुम सभी लोग, खास तुम्हें सभी बोल रहा हूँ, बराबर, मारवाड़ी, आप मोस्ट ऑफ मारवाड़ी यहाँ पर है, कटारिया परिवार यानी मारवाड़ी गुजराती ऐसी कोई बात नहीं, वहीं पर आप लोग सभी मोस्ट ऑफ सोए हुए हो। अभी ही महाराष्ट्र में से ही फ़ोन आया था, सिर्फ 8-10 दिन हुए, वो भतीजी बहन ने बोला कि वो पारस भाई लोन के लिए, मैंने बोला ठीक है, तो कहाँ तुम सुना है लोन तो तुम अच्छी तरह से दिलाते हो तो सर्विस मिल जाती है। फिर मैंने बोला कि भतीजी बहन 4-4.5 हज़ार बच्चों को मैं भेज चुका हूँ यूएसए, सर्विस सभी को मिल गई, 50 लाख नहीं, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, करोड़ में भी स्टार्टिंग हुआ। तुम कितने ब्रिलियंट हो, वहीं पर पैसा मिलता है, सब कुछ प्रूव करके कर चुका हूँ। प्रूव तो क्या बात है, ये तो लीगल साइड की बात है, लेकिन सब कुछ कर चुका हूँ। तो आप भी सभी जागो कि भाई हमारे बच्चे को जाने का है, पढ़ना है, ज़िंदगी में एक बार ही तुम्हें मौका मिलेगा। और ये स्कीम भी मैं बताऊँ, 6 लाख तक की इनकम की तुम्हें वहीं पर बाद में सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी क्या, कौन सी, कितनी रहती है, 20 लाख तक की, भाई प्लीज़, तीन साथ में बैठ के बात कर रहे हो, हंस रहे, प्लीज़ ये स्कीम पूरे इंडिया में स्टार्ट की है। जितने भी लोगों को समझ में आया ना, वो खुद तो बहुत फ़ायदा ले चुके हैं, दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिल चुका है। तो मैंने बोला ना, शॉर्टकट लीगल और तुरंत ही करोड़पति बनने का ये शॉर्टकट है कि सिर्फ तुम्हारे पास घर या फ्लैट पड़ा ही है, उसकी कीमत है ही, वैल्यू है ही, तो तुम उसको सिर्फ साइन करना है। किसी को भी पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास से पैसा कहाँ से आया, वो आप वहीं पर भेज दो, हमारा बच्चा ब्रिलियंट है तो ही भेजेंगे ना, नहीं तो 5 हज़ार के लिए भी हम सोच के भेजते, कोई भी कास्ट का सोच के लिए भेजता है, हम तो जैन है, बहुत ही सार पीढ़ इंटेलिजेंट है। तो बाद में वहीं पर 3रे साल से ही ये इनकम हो सकती है। वैसे ही कनाडा के लिए तुम्हें पहले 19 लाख थे, बाद में 20 लाख, 30 लाख, 24-25 लाख हो गए, 2 साल के 24-25 लाख लगेंगे, उसकी सैलरी भी स्टार्ट होगी, खाना पीना रहना पढ़ना टोटल खर्च मैं बोल रहा हूँ 24-25 लाख 2 साल का, उससे स्टार्टिंग होगा 25 लाख, पहले 19 के सामने 25 था। जितना भी पैसा तुम पे करोगे उससे ज़्यादा तो तुम्हें मिलता है, स्टार्टिंग ही होती है, बाद में तो तुम कितनी मेहनत करते हो, कितना तुम ब्रिलियंट हो, कितना तुम्हारा पावरफुल वर्क है, तुम कितने पावरफुल हो नॉलेज में, वो प्रूव करोगे तो तुम्हारे लिए कोई लिमिट ही नहीं है। जर्मनी में 8-12 लाख स्टार्टिंग होता है, 15 लाख मैं बराबर बोलता हूँ, जो भी 2 साल का खर्च बोलता हूँ, 8-12 लाख स्टार्टिंग उसकी सैलरी होगी, 15 लाख
बराबर है। यूके में भी बहुत फ़ायदा है, बाद में रशिया और वहीं पर MBBS वगैरह के जाने के लिए तुम यदि इंडिया में नहीं पढ़ना चाहो तो वहीं 35 लाख में पढ़ सकते हो। फिलीपींस और रशिया, फिलीपींस बेस्ट है MBBS के लिए सारे वर्ल्ड में। 5 डॉक्टर अमेरिका में, उसमें एक पढ़ा हुआ इंडिया का, फिलीपींस का, USA का, जापान का, कहीं का, जर्मनी का, कोई भी हो, तो एक पाँचवा जो डॉक्टर होता है वो फिलीपींस में पढ़ा हुआ होता है, इतना बढ़िया वहीं पर पढ़ा दे वो। तुम्हारी ये जनरल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा तुम्हें पता चले इसलिए बोल रहा हूँ। फॉरेन एजुकेशन बोल रहा हूँ, उसमें सिर्फ लोन के बात होती है आधा घंटा, स्पेशल सेमिनार जैन समाज में पूरे इंडिया में सिर्फ मेरे होते हैं, 5-5 घंटे चलते हैं, कोई हिलता नहीं है। 25 से 50 हज़ार रुपया कंसल्टेशन का, काउंसिलर की फ़ीस का रहता है, मैं टोटली फ्री में देता हूँ, और वो बोलते हैं कि 50 हज़ार में ये तो हमने कभी पता ही नहीं है, क्योंकि वो गलत सिखाते हैं, तुम्हें हैरान करते हैं, तुम्हें हैरास करते हैं। मैं टोटली जेन्यून 2 लाख दे के भी जो जेन्यून चीज़ इन्हें मिले वो देता हूँ, कि जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ सके, बहुत ही आगे बढ़ सके। तो ये फॉरेन एजुकेशन लोन का अभी मैं तुम्हें बताऊं, ये सभी फॉरेन का मैंने बताया, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जाना चाहो तुम पढ़ने के लिए जा सकते हो, लेकिन मोस्टली अभी सभी लोग जा रहे हैं USA, ऑस्ट्रेलिया में 2 साल पढ़ने का खर्चा होता है 40 लाख, और उसकी सैलरी स्टार्ट होती है 50 से 60 लाख। ऑस्ट्रेलिया, USA, कैनेडा, जर्मनी, जनरली यहाँ पर सभी लोग जाते हैं, उसका मैं बोल रहा हूँ। MBBS के लिए फिलीपींस और रसिया जाते हैं, उसका भी तुम्हें बोल दिया 25 से लेकर 35 लाख, लेकिन 30-35 लाख समझ के चलना चाहिए, तो यहाँ 1.5 करोड़ न देना पड़े। तो ये सब कुछ, और उसमें अभी फ़ायदा, पहले तो लोन मिल जाए वो सबसे बड़ा फ़ायदा। लोन में यदि तुम्हारी 6 लाख के अंदर अंदर तुम्हारी इनकम है, IT रिटर्न के मुताबिक ग्रॉस इनकम, बराबर है, तो ये जो भी सेट है उसके ऊपर से मैं समझाने वाला हूँ। वो दूसरे फॉर्म ले रहे, मैंने सोचा वो सेट वापस ले रहे, नहीं नहीं कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले तो 6 लाख के अंदर अंदर होगी तो सब्सिडी के लिए तुम एलिजिबल होगे। सब्सिडी 20 लाख तक की जो भी इंटरेस्ट तुम्हें लगेगा, मिनिमम 2.5 साल, मैक्सिमम 3 साल तक का, बराबर, ये मास्टर डिग्री की बात कर रहा हूँ, तो वो पूरा का पूरा यदि तुम एलिजिबल होते हो और गवर्नमेंट ग्रांट करती है तो उसमें ना बैंक आएगी ना पारस भाई लाठी आएगा, बराबर, बीच में। इसके लिए मुझे फ़ोन मत करना कि सब्सिडी नहीं है, स्कॉलरशिप ना आए तो भी फ़ोन मत करना, क्योंकि यह गवर्नमेंट की स्कीम है, ग्रांट करते हैं उसको ही मिलता है। लेकिन ये फ़ायदा क्या है वो मैं बता रहा हूँ, और बराबर है, तो जिससे क्या है, क्योंकि मुझे वो भी, मुझे पूरे के पूरे 16 स्टेट्स के, मैंने बोला ना मुझसे भी सार पिटले एजेंट सभी लोग होते हैं ज़्यादा, मुझे ऐसा अनुभव है कि समझो सब्सिडी उसको 5.5-6-3 साल का 7 लाख 20 हज़ार होता है, 7 लाख यानी कि 6-7 लाख होता था समझो, उसको 6 लाख यदि मिलने वाली है, समझो 5 लाख और 5.25 लाख मिल गए, फिर फोन करते पारस भाई तुमने बताया था मैंने अप्लाई किया, लोन भी मिल गई, बच्चे ने भी पढ़ लिया, सब्सिडी भी मिली, 5.25 लाख मिली मेरे को, मैं बहुत खुश होता हूँ कि ये तो बहुत ही इसको फ़ायदा हो गया, चलो सब्सिडी भी मिल गई, बच्चे को नौकरी भी मिल गई USA में, 50-60 लाख उसका, 70 लाख उसका सैलरी है। फिर बाद में बोलते अभी तुम 6 लाख का बोलते थे, 5.25 लाख आया तो अभी 25 हज़ार का भाई सरकार देगी, नहीं तुम तो बोल रहे थे ना तो 25 हज़ार तुम भेज दो, भाई सभी को देने लगूंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो ये प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, स्कीम तो है ही, मिलते भी है, मेरे पास प्रूफ भी है, तो ये अभी बोलना ऐसा शुरू कर दिया है कि इसीलिए मुझे फ़ोन मत करना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन नंबर तुम्हारे पास है ही, नहीं तो फ़ोन नंबर देता ही नहीं मैं, उसमें व्हाट्सएप नंबर है, सभी को खास बोलता हूँ, जो भी कोई भी कुछ भी पूछना चाहे, माइनॉरिटी के लिए लीगल साइड में कुछ भी नहीं, बराबर, माइनॉरिटी में EWS में कोई भी स्कीम में तुम्हें फ़ायदा है, इसलिए पूरा नाम, पूरा एड्रेस, फादर का या खुद का, आधार कार्ड का फ़ोटो और खुद का सिंपल फ़ोटो, इतना, और तुम्हें क्या पूछना है, बिजनेस लोन उससे होगा नहीं, बिजनेस में भाई तुम्हें प्रोविज़न का चाहिए, प्रोविज़न स्टोर के लिए चाहिए या तुम्हें इंडस्ट्री के लिए चाहिए, तो कौन सी तुम्हें वो स्पेसिफिकली लिखना, मैं तुम्हें टाइम दूंगा, तुम लोग के जितने भी मैसेजेस आएंगे यहाँ, मैं बड़ी बड़ी आपको अच्छा लगे इसलिए मैं बोलने वाला नहीं हूँ, जितने भी लोग मुझे पहचानते उसको पता है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम यह है कि मेरी हेल्थ बिगड़ गई थी इसीलिए, नहीं तो बहुत ही फ़ोन मैंने उठाए, सबसे ज़्यादा इंडिया में फ़ोन उठाने वाला आदमी मैं एक ही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब जो ये सेमिनार हुआ, बराबर है, यहाँ तो बहुत सारे स्टेट्स है, सेमिनार करने के बदले मैं इसको समझाऊँ, मेरा हर एक दिन का एवरेज 1 करोड़ का सेवा में धंधा है फॉरेन एजुकेशन लोन का, तो घर बैठे 1 करोड़ का सेवा हो जाए तो मुझे कहाँ जाने की ज़रूरत है,
तो मैं यही समझता हूँ कि आप लोगों के मैसेज आ जाए तो मैं तुम्हें गाइड ही कर दूँ, जिससे क्या है तुम्हें घर बैठे ही गाइडेंस मिल जाए, पैसा भी आप वैसे ही करो, जहाँ पर भी रुको मेरे को बोलो, मैं गाइड करूँगा। जहाँ पर भी बैंक वाले तुम्हें ना बोल रहे, कुछ भी कह रहे हैं, तो मुझे बोलो, मैं साफ से बात करूँगा, दिला ही दूँगा, वो बात नहीं है। लेकिन जो भी है, मैं जितनी भी हो सकेगा इतनी मेरी मेहनत रहेगी, और मेरी तो यही रहेगी कि तुमसे पैसे सभी को मिल ही जाए, मिल ही जाए, लेकिन वो मेरे हाथ की बात नहीं है कि मैं सेंक्शन कर नहीं पाता हूँ। तो ये जो भी है उसमें ये सबसे सब्सिडी मिलेगी। दूसरी बात यह है कि तुम्हें 3 साल तक, मिनिमम 2.5 साल, मैक्सिमम 3 साल तक एक भी पैसे का इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा, यानी कि तुम विदाउट टेंशन, विदाउट बोदरेशन पढ़ सकते हो। ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, सब्सिडी का फ़ायदा सेकंड नंबर पे है। तीसरी बार इनकम टैक्स में तुम्हें वो जो भी इंटरेस्ट तुम यदि पे करोगे वॉलंटरली, तो तुम्हें वो डिडक्शन मिलेगा। वो सी ए साहब यहाँ पर बैठे हैं, उसको पता है। और नई प्रोविज़न भी 2 साल से आई है कि पूरा का पूरा दे दे फॉरेन एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट, तो वो भी तुम्हें बहुत फ़ायदा रहेगा, जिससे वो तुम इंस्टॉलमेंट भी भर पाओगे, इंटरेस्ट भी तुम्हें, प्लस तुम्हें जो भी डेड इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है 5 साल के लिए, वो भी नहीं करना पड़ेगा। वो बहुत सारे फ़ायदे सी एस साहब हंस रहे हैं अहमदनगर साहब के, कि थोड़ा सा इसको आता है, लेकिन ITST भी जानता हूँ वो शौक है सब कुछ GST नहीं जाना, क्योंकि टाइम नहीं है अभी तो ये भी तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। प्लस जो भी तुम्हें ये इंस्टॉलमेंट के लिए, तुम्हारी कम इनकम होगी तो भी पैसा मिल सकता है। तुम्हारे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है ब्लड रिलेशन में, फादर की, ग्रैंडफादर की, ग्रैंड मदर की, नानी की, मामा की, तो यदि चलेगी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हो सके तो मैं चला दूंगा, बराबर है, यदि साहब मानेंगे तो, जिससे तुम, यदि कोई ब्रिलियंट बच्चा, मेरे पास ऐसे भी एग्जाम्पल आए, एग्जाम्पल नहीं बहुत सारे, कि बहुत ही ब्रिलियंट है पारस भाई, इसको पैसा दिला दो, मैं उसके ब्रिलियंसी पर बहुत नाज है मुझे, तो मैं कुछ भी उसका नहीं हूँ रिलेशन में या कुछ भी, लेकिन ये बच्चा पढ़े इसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो ऐसे भी जैन समाज में है ही कि पैसा नहीं देना है, प्रॉपर्टी इसके बदले में मॉर्गेज कर दूँ तो इसकी लाइफ बन जाए, और बहुत सारों की लाइफ बन गई है। जैन जागृति सेंटर वगैरह भी पैसा देते हैं, लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ कोई भी संस्था में भी मत जाओ यदि तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है तो। तुम क्योंकि तुम्हारा बच्चा यदि फॉरेन जाने वाला है, इंडिया में भी पढ़ने वाला है, इंडिया में तो समझो कम आता है पैसा, बराबर ही उसकी सैलरी कम रहती है, तो तुम क्यों समझो जैन जागृति सेंटर में जाओगे, 1 साल के लिए 2.5 लाख मिलेंगे बगैर ब्याज की लोन, विदाउट एनी इंटरेस्ट, दूसरे साल 2.5 लाख, तीसरे साल तुम्हारा खुद का ही सैलरी 50 लाख करेगा। भाई तुम्हें एक बार बोला था, अभी दूसरी बार भी तुम हंस रहे हो, बात कर रहे हो, प्लीज़ तुम्हें यदि न समझ में आया या न इंटरेस्ट हो तो बाकी को लोगों को तो ये बराबर इंटरेस्ट है, क्योंकि ये तुम्हारा फैमिली का, इसलिए मैं आगे तो ज़्यादा नहीं बोल सकता, बराबर है। टोटली सभी जो भी स्पीकर्स आए मुझे जानने को, बहुत खुशी हुई, टोटली फ्री सेवा देने के लिए आए, मैं भी फ्री सेवा देने के लिए आया हूँ। मेरी फीस लैक्स ऑफ रुपीज़ में है, यहाँ पर टाइम पास नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मैं बता दूँ, खास करके तुम्हें दूसरी बार बोलना पड़ा इसलिए तुम बराबर समझ गए हो। तो ये जो भी है अभी भी हंस रहे, अभी इसका क्या करें, ये भाई जो लाफिंग वाला तो टाइम पूरा हो गया है, मुझे भी तुम हंस रहे हो तो मुझे भी हंसी आ रही है, क्या करूं मैं भी। मैं बोल रहा हूं कि तुम गुजराती लोगों इतने सारे चले गए, तुम क्यों नहीं जा रहे हो तो भी तुम हंस रहे हो। कोई नहीं बना पाता है करोड़पति, मैं भी, मेरी भी हैसियत नहीं है, मैं तो चाहे बोलता हूँ मेरे से पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये भगवान की मेहरबानी से सब कुछ माइंड में आता है। तुम्हारे माइंड में ये स्कीम घुसा रहा हूँ ना, ऐसा कुछ बैंक में पूछना, कुछ कहीं पर भी लिखा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे माइंड में फिट हो जाए इजीली तो तुम खुद तैयार हो जाओ, तुम खुद फ़ायदा न लो, तुम 5 लोगों को जाके बताओ। मैं एडवांस में बोलता हूँ, मुंबई में सबसे पहला सेमिनार था जहाँ पर भी लोग कुछ नहीं जानते, मैं बोलता हूँ पूरा का पूरा तुम्हारे माइंड में फिट करूँगा, नहीं तुम खुद लोगे फ़ायदा और 5 लोगों को भी बता पाओगे, 50% तो बता पाओगे, बाकी के लिए पारस भाई को तुम मैसेज करो। ये इतनी मेरी मेहनत रहती है, ये मेरे अभी तक दिन में देखा यहाँ पर खड़े खड़े आराम से, मेरा यहाँ पर बहुत ही बड़ा अच्छा सीन लगे, मैं बहुत ही जैसे मैं ही बड़ा आदमी हूँ, इसमें देखूँगा पढ़ूँगा, टाइम ही नहीं है पूरा मेरे पास, 7.5-8 घंटे का लेक्चर, वो 2.5 घंटे में देता, वो 2.5 घंटे वाला 1.5 घंटे में देना है, कि जिससे तुम सभी लोगों को मैक्सिमम में यहाँ पे आए हो। तो बात ऐसी है, मैं हरेक जैन को क्यों ना पैसा दिलाऊँ, ये मेरी बात है, लेकिन मेरी लिमिटेशन आ गई, कुछ नहीं मेरी हेल्थ बिगड़ गई,
डॉक्टर ने क्लियर कट बोल दिया कि फ़ोन उठाना ही नहीं है, फिर भी मैं अभी सभी का फ़ोन उठाता हूँ, बोलता हूँ, आधे आधे घंटे फ़ोन पे समझाता हूँ, आधे घंटे। कोई बार ट्राई करना किसी को समझाने की, और वो भी हमारा जैन भाई, वो बोलेंगे तुम्हें तो कुछ पता तो है नहीं। वो उसके पूरे माइंड में, उसके घर पे बैठे उसको पूरा फिट हो जाए, उसको समझ में आ ही जाए कि पारस भाई बोल रहे हैं 100% सच है और मुझे फ़ायदा मिलेगा, वो मैं पूरा उसके माइंड में फिट करता हूँ, कि जिससे वहीं पर वहीं मेरे पास आना ना पड़े, पैसा खर्च करना ना पड़े, और वो ही बोले कि नहीं भाई अच्छा है, मुझे भी फ़ायदा मिला, तुम भी लो। अहमदनगर के सी ए साहब है, उसने वो कि वहीं पर कोई भी है समझो, तो उसको मैं वहीं पर पैसा दिला दूंगा, तो वो अहमदनगर में 5-25 बच्चों को तो बोलेगा ना, हमारे जैनों को। यही गुजरात में, पूरे गुजरात में मैंने काम किया, 1,000 रुपया सिर्फ एक बच्चे को मिल जाए। मैं 2014 की मेरी फॉर्मूला, वो दो लोग हैं वो दो को और बोलेंगे नहीं, मेरी फॉर्मूला लिए थी कि एक ही बच्चे को सिर्फ 1,000 की स्कॉलरशिप आ जाए, पूरा गुजरात घूम चुका हूँ। और मैं बताऊँ आपको, ये भाई हंस रहा है इसके लिए, अभी उसके लिए स्पेशल एग्जाम्पल, हम सभी ले तो बात की बराबर, कि जैनो हम महाजन है, पुरानी बात भूल जाओ। जितने भी पैसे वाले, मुझे बहुत फक्र है कि हमारे भाई बहुत पैसे वाले, ऐसी खराब हालत है। मैं बहुत सारे स्टेट, 16 स्टेट के जैनों मुझे जानते हैं और सेवा को पहचानते हैं, यानी पता तो होगा ना, वो बोलते हैं कि गुजरात में बहुत, गुजरात के जैन है वो बहुत पैसे वाले, पूरा स्टेट एक पैसे वाला बहुत ही हो ना, तो एक पूरा स्टेट गुजरात है। गुजरात में अहमदाबाद मेन है, अहमदाबाद में 2,000 मजदूरी करते हैं, यहाँ लगाते हैं, हाँ थैली, थैली नहीं इतनी बड़ी वाली, और 1,000 है ना वो रिक्शा चलाते हैं। मेरे राजकोट में भी वैसा है, राजकोट बहुत ही पैसा वाला सिटी है, फिर भी जो छोटे वाले तहसील वाले सिटी में क्या है, बराबर। अभी तुम्हें बराबर सीरियसनेस आ जाएगी, क्यों तुम ज़्यादा हंस रहे थे इसलिए, कि ये भाषण है ना ऐसे ही नहीं दे रहा, और मुझे शौक नहीं है कहीं पर भी न्यूज़पेपर या चैनल में तुम्हें मुझे देखा नहीं होगा व्हाट्सएप के सिवा, बराबर। ये कोई शौक नहीं है मुझे, कोई न्यूज़पेपर के मालिक नहीं जानते, चैनल के मालिक नहीं जानते, ऐसा नहीं है। क्यों? मुझे ये रस इंटरेस्ट है कि मेरे भाई को पैसा मिले, बाद में ये सब कुछ आ जाएगा ना, तो मेरे माइंड में चढ़ जाएगी, मेरे माइंड में बहुत चढ़ जाएगा कि मैं तो महान आदमी हूँ, अभी तो कभी किसी को जवाब नहीं दूंगा तो सेवा नहीं हो पाएगी। मैं तो न्यूज़पेपर में आ जाता है ना तो महान बन जाता है वो आदमी, और सेवा की पब्लिसिटी क्या करना, एक पैसा किसी का चाहिए नहीं, ना कहीं पर भी डेजिग्नेशन कुछ चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं। ये बहुत ही ज़रूरत है। और एक और एग्जांपल भी दूँ, चाहे पूरे इंडिया में कोई भी डोनर मुझे ऐसा मिले कि 500 करोड़ पारस भाई देना चाहता हूँ मैं एजुकेशन के लिए, 6 महीने में चटनी कर दूंगा, 6 महीने में, इतनी हमारी डिमांड है, इतनी मेरे पास डिमांड है। प्रकाश भाई को मैंने उस भी ऑफिस में भी बोला था, मिला था तभी, ये तो हमारी पर्सनल बात है सिर्फ, कि ऐसे ही ऐसी डिस्कशन हुई थी, दूसरी कुछ बात नहीं है। इतनी सारी डिमांड है, सभी इंडिया की सभी संस्थाएं पहचानती है, सभी में मेरे सेमिनार हो चुके हैं, और खुश है इंडियन एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन के साले इतना सारा पैसा पारस भाई दिला रहे हैं, तो हमारे बच्चे कितने आगे बढ़ जाएंगे। और मुझे तो कुछ पड़ता नहीं है, मेरे पॉकेट में से, ये मेरा पॉकेट है उसमें से तो देना नहीं पड़ता है, गवर्नमेंट देती है, बैंक वाले। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये सब्सिडी भी मिलती है तुम्हें, ये इंस्टॉलमेंट खास करके समझो, लोन ले ली 35-50 लाख नहीं, 1.5 करोड़ तक दिला चुका हूँ। इतनी ब्रिलियंट होते हैं कि उसकी फीस ही, हार्वर्ड में पढ़ते हैं तो इसकी फीस ही सिर्फ 1.25 करोड़ रुपया होती है, वो भी पढ़ चुके हैं। मैं तो सिर्फ नाम, मैं तो ब्रिलियंट हुई ही नहीं, 72% 10th में आया था, और बीकॉम में मेरी गाड़ी 53% पे रुकी गई थी, आगे LLB का कुछ बोलने जैसा है ही नहीं। तो हमारे ब्रिलियंट बच्चे हैं बहुत ही, तो वो क्यों ना आगे पढ़े, बहुत ही क्यों ना आगे बढ़े बिजनेस में। ये सभी टाइप की लोन मिलती है, अभी कौन सी साइड बाकी रह गई समझो। इतने सारे फायदे मेरे हिसाब से, मुझे, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को पता भी नहीं है, इंडिया में स्टार्ट भी मैं ही करता हूँ, अभी मैं अभी बोल रहा हूँ ये भाई की वजह से, बराबर। सारे इंडिया में, गुजरात में से पूरा कोई भी विलेज है ना, वहीं पर जाकर पूछ लेना, पारस भाई लाठिया को भेजा, हाँ फ़ोन करते हो, जवाब देते मुझे पैसा मिला, पर्सनली मिले हो नहीं मिले। अभी DP में मेरा फोटो, वो देख के सभी पता है कि ये पारस भाई ऐसे है, बाकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, पैसा मिल जाए वही हमारा काम है, मिलने की क्या ज़रूरत है। और सभी को मिलूंगा तो मैं कहाँ कहूँ, जब मेरा प्रोफेशन कब करूँगा मैं। तो ये यानी कि सभी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा मिले, ये सभी इतनी सारी स्कीम्स है, हाउसिंग में है, मेडिकल में है, ये प्लस ये एजुकेशन में है, स्कूल और कॉलेज बनाने में है, सभी में फ़ायदा है।
बिजनेस में है, गवर्नमेंट सर्विस मिल जाती है, एडमिशन इजीली मिल जाते हैं, और क्या चाहिए। लेडीज़ के लिए भी लोन की वगैरह है, लेकिन वो मिलती नहीं है, मैं क्लियर बताता हूँ, इसलिए तो मैं वो स्कीम बाद में नहीं कहूँगा। नहीं तो जो भी है हमारे जैन धर्मों में सभी लेडीज़ मंडल तो होते ही, महिला मंडल तो 10 बार जो भी लेडीज़ है सेम बिजनेस कर रही है, तो उसको एक एक को 1.25 लाख मिलता है, यानी कि 15 लाख जैसा मिलता है, लेकिन वो लोन स्टेट में से मिलती है, तो वहीं पर पैसा मिलता नहीं है, इसलिए वो मैं नहीं बताना। यानी स्कीम है एक, सिर्फ जिसमें नहीं मिलेंगे वो बोलूँगा, लेकिन ऐसी एक की स्कीम है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं, और ये फॉरेन एजुकेशन लोन का, तुम जो भी कि सभी को एडमिशन इजीली मिल जाता है, पढ़ सकता है इजीली, यहाँ से पढ़ना फॉरेन में इजी है, यहाँ से ज़्यादा परसेंटेज आते हैं, और हमारे बच्चों की वहीं पर बहुत ही वैल्यू है, बहुत ही खुश है फॉरेन में सभी, और सभी को बहुत ही सैलरी मिलता है सभी बहुत। तो मैं जो बोल रहा था कि 35 के सामने 50 लाख मिल जाए, तो वो सब बात आ गई ये पढ़ने में। और ज़िंदगी में एक ही बार चांस मिलता है, तुम जब भी पढ़ोगे तभी, बाद में तुम जाओगे चलो मेरे को जाने का, मेरे को भी नहीं भेजेंगे, वहीं पर नहीं मिलेगा, वीज़ा ही नहीं मिलेगा। और बात दूसरी बात कि सर्विस 2 लाख की, या तुम्हें इसमें रिप्लाई मिल ही गया होगा कि यदि 2 लाख 3 लाख के बदले यदि तुम फॉरेन जाओ, सभी का सपना होता है मैं फॉरेन जाके पढ़ूं। और मैं तो कहता हूँ सब बहुत बड़े बड़े जो भी बिजनेसमैन है, इंडस्ट्री वाले हैं, वो भी जाके वहीं पर पढ़ाएंगे, पैसों के लिए लोन की ज़रूरत नहीं है, खुद के पैसे से पढ़ाएंगे। या मैं तो कहता हूँ ऐसे ऐसे भी फ़ोन आए, बोरीवली में मेरी फैक्ट्री है पारस भाई, 100 करोड़ की तो उसकी कीमत है, लेकिन लोन तुम्हारी गाइडेंस लेके लेना है, क्योंकि मेरा पोता है ना, उसको लोन से ही पढ़ाना है, और उसको सर्विस करके बाद में रीपे उसी को ही करना है, जिसको इसको पता चले कि ये 35 लाख रुपये कैसे बन सकते हैं, प्लस उसको मास्टर डिग्री मिलेगी। मैंने बोला ना कि सरकार के पैसों से खाओ पियो रहो, पढ़ो कमा के वापस दो, यदि तुम्हें ज़्यादा नहीं रहना है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जैन के बेटे या बेटी इंडिया में रहे, कि मेरे को सभी बहुत दुश्मन है इसलिए बाहर भेज दो, किसी को यहाँ नहीं रखने का है, बराबर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो भी है कि चलो 5 साल के बाद भी वापिस आ गए पढ़ने के बाद, तो उसकी लोन भी रीपे आज हो जाएगी, उसने 2-5 करोड़ कमा भी लिए होंगे, प्लस उसका स्टेटस भी बन गया होगा, वहीं पर समझो उसका 50 लाख का सैलरी है, तो इंडिया में कोई बोलेगा 5 लाख में रखूँगा, वो कोई बोलेगा उस वो बोलेगा कोई भी भाई मैं आपको नहीं रख सकता, 25 लाख वाला बोलेगा साहब एक काम करो ना तुम यार, अभी है ना 30 लाख में तुम्हारी सैलरी रखो, अगले साल 35 कर दूंगा। तो ये तुम्हारा यहाँ वहाँ से पढ़ के आओगे तो भी फायदा रहेगा, स्टेटस भी बना रहेगा, पैसा भी बनेगा, शॉर्टकट लीगली तुम बहुत ही फटाफट बनाओगे, कि एक भी अभी तुम्हारी कोई बोलेगा कि ये अभी तो 26 साल का लड़का है, क्या है ये कितना कमाता होगा, अरे भाई मेरे से भी ज़्यादा कमाता है, 50 लाख की उसको सैलरी है। घर में जो भी छोटे भाई बहन है, आपके फादर मदर है, आप सभी साइड से 3 पीढ़ी करोड़पति कैसे बन सकती है वो भी बताऊँ। चलो 2 साल के बाद पहले साल में तुम्हें लोन ही रीपे करनी है, मैं सभी को बोलता हूँ, पहले साल ही समझो 50 लाख का तुम्हारा सैलरी है, इनकम टैक्स की बात साइड में रखते हो, तुम रीपे कर सकते हो। दूसरी 2 साल तुमने जब भी 2 साल पढ़े, वैसे तुम्हें और भी 3-4 साल तक तुम्हें एक फ्लैट में 4 लोगों के शेयर करके रहने का है, कम से कम खर्च में, लेकिन अच्छी तरह से, ठीक तरह से, बराबर है। तो 2 साल का निकल गया, 3रे साल तुम्हारी रीपे हो गई लोन, पहले बाद में 2 साल का जो भी 1 करोड़ आएगा वो फादर को दो, क्योंकि तुम्हारे पीछे तुम्हारे पेरेंट्स ने पूरी की पूरी ज़िंदगी की सब पैसा लगाया था, इवन तुम्हारी उसकी प्रॉपर्टी भी लगा दी थी, घर लगा दिया था, प्रॉपर्टी नहीं घर लगा दिया था, तो पहली पेढ़ी वो करोड़, लास्ट में तो वो पैसा किसका होता है, बच्चों का ही होता है, वो साथ में तो लेके जाने वाले नहीं होते, लेकिन तुम्हारी भी सेफ्टी रहेगी उसके पास, और तुम्हारे छोटे भाई बहन भी पढ़ सकते हैं। बाद में तुम उसके बाद समझो 3 साल का तुम्हारा 1.5 करोड़ तुमने कमा लिया, तो तुम गाड़ी लो, फ्लैट लो, घरवाली भी लेके आओ, तो सब कुछ, तुम तो करोड़पति। बाद में उसका जो भी आएगी पेढ़ी, उसकी करोड़पति की पेढ़ी जो नहीं आती है, जिसका भी बर्थ होता है वो तो ऑलरेडी करोड़पति होता ही है, तो तुम ये ऐसे प्लानिंग कर सकते हो, ये प्लानिंग भी मैं सभी को देता हूँ, जिससे पहले ही साल तुमने रीपे कर दिया, तुम्हारी लोन ख़त्म, इंस्टॉलमेंट ख़त्म, टेंशन ख़त्म, मॉर्गेज ख़त्म सब, और तुम क्लियर हो गए, जितना भी पैसा आएगा, और यदि तुमने ज़्यादा लोन चलाई तो तुम्हारे पे इंटरेस्ट चढ़ता ही जाएगा, वो तुम लॉस में हो, कोई फ़ायदे में नहीं हो, और बैंक में भी तुम्हारे इसके बदले, और जाए कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए उसके बदले पहले ही साल तुम रीपे कर दो, यानी कि ये। और इंडियन एजुकेशन लोन के लिए भी 50 लाख 75 लाख मिलते हैं, उसमें भी लिमिटेड फ़ायदे हैं, उसमें भी ये तुम्हें फ़ायदा रहेगा कि इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा, प्लस ये जो भी है 2.5 साल जो भी डिग्री है उसके बाद में 6 महीना 1 साल तक तुम्हें वो भी फ़ायदा रहेगा। बिजनेस में भी ये जिला उद्योग केंद्र में तुम जाओगे लोन लोगे तो 6 महीने तक तुम्हें कोई भी इंस्टॉलमेंट नहीं आएगा, वो भी फ़ायदा है, इंटरेस्ट में भी फ़ायदा है, इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलेगी, ये सब फ़ायदे हैं।
तो ये सभी बहुत सारे फ़ायदे तुम्हें मिल सकते हैं, एडमिशन में भी फ़ायदे मिल सकते हैं तुम्हें, ये बहुत सारे फ़ायदे सभी साइड के हैं। और भी मैं देख लूँ कि कोई कुछ भी बाकी रह जाता है तो, और इंडियन एजुकेशन लोन के लिए भी, और ख़ास बात यह कि 7.5 लाख के अंदर तुम्हें लोन मिल सकती है मॉर्गेज के बगैर। लेकिन ये लोन में तुम्हें जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है खुद की, रेंट पे रह रहे कोई भी प्रॉपर्टी उसके पास नहीं ही मिल रही है, तो ही मैं हेल्पफुल होऊंगा। बहुत ही क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि कोई कोई मुझे फ़ोन करते, बॉम्बे में अपना मेरा 2 करोड़ का फ्लैट है, पालनपुर के, पालनपुर में मेरा 1.5 करोड़ का बंगला है, लेकिन मेरे को 7.5 लाख चाहिए। कोई बात नहीं है, कहाँ जाना है, मेरे सन को जाना है USA, और 35 लाख, उसमें सिर्फ 7.5 लाख क्यों, बस 7.5 लाख ही दिलाओ ना, उसके लिए कोई स्कीम ही नहीं है। जो ज़रूरत वाले हैं ना, उसका मैं सजेस्ट करूँगा, बैंक में मुझे पहचानते हैं तो बैंक में बात करूँगा, सजेस्ट भी करूँगा, और हो सके तो दिलाऊँगा भी। लेकिन वो करोड़ोंपति वाले के लिए 7.5 लाख की स्कीम नहीं है, क्योंकि जो ज़रूरत वाले हैं वो बाद में कहाँ जाएंगे। मैंने समझो 7-8 लोगों को ऐसा भेज दिया तो साहब भी बोलेंगे पारस भाई अभी साला प्रॉब्लम है, अभी तो नहीं होगी। वो ज़रूरत वाले के जब भी टर्न आएगा ना, तभी ये प्रॉब्लम होगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है। और मैंने तो वो भी बोला कि संस्था में से मत लो पैसा, क्योंकि तुम सिर्फ 5 लाख का कितना इंटरेस्ट होगा 1 साल का, क्योंकि वो भी तुम्हें तुरंत पे करना है। 50,000 के लिए तुम हाथ क्यों नीचे, और जो भी है साधर्मिक भक्ति का पैसा आखिर में तो बराबर हेल्प, मदद, राहत, डोनेशन और दान है। तो इसके बदले तुम क्यों मुंह ऊंचा रख के नहीं चल रहे हो? ऊंचा नहीं चलना है हम अभिमान, लेकिन हम अपना कि भाई मैं स्वाभिमान से तो रहूं, मेरे खुद के पैसे से मैं पढ़ाऊँ, कमाऊँ और मैं आगे बढ़ाऊँ। तो ये बहुत ही फ़ायदे की बात है सभी लोगों को। मैंने तो इतना देखा है, मेरे मैसेजेस जाते हैं कि गवर्नमेंट से मिलती है माइनॉरिटी, तुम मुझे हेल्प करोगे? अरे भाई क्यों हेल्प मांगते हो, मैं तो देता भी नहीं हूँ किसी को एक पैसा। खुद तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, तुम्हें पता है कि ये स्कीम, तो स्कीम में बता दो, तो तुम खुद अपने आप ऊँचे उठो ना। एक कोई गलत मत लेना, हैबिट हमारे जैन समाज की गलत हो गई है। मुझे तो सभी संस्था में बोलते हैं ना, मैं उसका निचोड़ बोलता हूँ कि क्यों ना बगैर ब्याज का मिल जाए ना तो बढ़िया है, लेकिन तुम्हारे बच्चा कल ही करोड़पति बनेगा, 50 लाख की सैलरी होगी, 25 लाख की सैलरी होगी, तो तुम क्यों हाथ फैला रहे हो भाई? इसके बदले स्वाभिमान से जियो, चाहे अपने हम कहें ना रूखी सूखी रोटी खाए तो भी स्वाभिमान, तो हमने किसी का पैसा किसी से भी लिया नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया बात है, मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे हमारी संस्था में ज़रूरत जिसकी न हो, जो अच्छी तरीके से जीना चाहते, जो स्वाभिमान से जीना, जो ऑटोमेटिकली जो ज़रूरत वाले हैं उसको मिल जाए, उसमें दूसरा कोई संस्था ने मुझे ये मैसेज देने के लिए नहीं कहा है। मैं मेरे वीडियो में भी बोलता हूँ, किसी ने भी नहीं बोला है, लेकिन ये सभी जो भी ज़रूरत वाले हैं हमारे जैन है, पैसा आगे पीछे होता है, हम सार पीट रिलीजेंट है, जिसके पास बुद्धि होती है ना एक बार टॉप पर बैठता है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। जिसके पास पैसा है ना उसको पता है पैसा होता है बराबर है, लेकिन पैसा नहीं, हमारे जो बुद्धि है, हम जो भी है अच्छे, हमारे सिद्धांत है, हम अच्छे लोग हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ रहती है, हमारी संस्कार, हमारे खानदानी। लेकिन पैसे के लिए दौड़ना भी पड़ता है, पैसे के बगैर चलता भी नहीं है। तो ये सब कुछ फ़ायदे हैं, बाद में जो भी और भी फायदे हैं जो भी बाकी के रहते हैं वो मैं बताऊँ, और बाद में क्वेश्चन आंसर जिसको भी जो भी पूछना है वो बता सकता है। स्कॉलरशिप का मैंने बोल दिया, फी में तुम्हें फ़ायदा मिल सकता है, यहीं पर भी मिल सकता है, गुजरात में, महाराष्ट्र में भी मिलता है EBC स्कीम के नीचे, क्योंकि मैं कुछ 2-4 आइटम भूल गया। मेडिकल का पुष्पराज भाई बोल रहे हैं, मेडिकल के लिए, मेडिकल में 2 ही स्कीम है गुजरात के लिए, माँ अमृतम वात्सल्य योजना, माँ अमृतम योजना नहीं, माँ अमृतम वात्सल्य योजना। हम जो भी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन BPL में नहीं आते, BPL में नहीं आते, इसलिए हमें माँ अमृतम वात्सल्य योजना के नीचे मिलता है। 4 लाख तक की इनकम की छूट है, इनकम सर्टिफिकेट देना होता है तहसीलदार की, मामलतदार की ऑफिस से, क्योंकि गुजरात की बात है। वो कैसे मिलता है वो मैंने पहले बता दिया, बराबर है? तो वो यानी कि मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग एलिजिबल होंगे, क्योंकि 2.5 लाख तक का ही इनकम टैक्स रिटर्न रहता है, इनकम टैक्स रिटर्न की जरूरत स्कॉलरशिप भी नहीं रहती, और इनकम टैक्स रिटर्न की माँ अमृतम वात्सल्य कार्ड मेडिकल के लिए जो होता है गुजरात का बोल रहा हूँ अभी, बराबर है? अभी थोड़ा थोड़ा स्टेट का भी ले लेता हूँ, तो उसमें भी नहीं होती, उसमें सिर्फ इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है, बराबर? इनकम सर्टिफिकेट कैसे मिलता है वो मैंने पहले बता दिया है, तुम समझ जाओगे, 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ, बराबर है?
तो 4 लाख तक की इनकम वाले कवर हो जाते हैं, और 5-5 लाख तक की जो भी ट्रीटमेंट है वो तुम सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं, प्राइवेट में अच्छी अच्छी हॉस्पिटल स्टर्लिंग वोखार्ड कहीं पर भी जाना नहीं है हमें, लेकिन ये सेफ्टी के लिए। तो तुम ये निकलवा लो, सभी लोग निकलवा ले जी, जो भी एलिजिबल है वो, और फ़ायदा ले, गवर्नमेंट देती है तो फ़ायदा लेना ही चाहिए। वैसी दूसरी स्कीम आयुष्मान है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें भी यही रहता है कि भाई ये 4 लाख तक की इनकम, लेकिन उसमें जितने भी लोगों का नाम आया है उसको ही मिलता है। नहीं, जो भी जब भी उसका सर्वे करने के लिए निकलेंगे तभी हम लिखवाएंगे कि हमारी इनकम इतनी है, तो वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। तो आयुष्मान कार्ड पूरे इंडिया के लिए है, तो उसमें यदि तुम्हारा नाम है तो तुम्हें देखना चाहिए। नहीं तो दूसरी बात आयुष्मान कढ़ाने के लिए ऐसी है कि तुम तुम्हारे MLA या MP को मिलके, यदि तुम्हारी ज़रूरत है या तुम कोई भी समझो बहुत ही, ये तुम क्यों बता रहा हूँ जिससे तुम दूसरों को भी बता सको कि भाई ये बहुत ही ज़रूरतमंद है, तो तुम इसके लिए आयुष्मान कार्ड हो सके तो बना दो। हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हो तो भी यदि वो रेकमेंड करेगा, बराबर है, और वहीं पर यदि हो सकता है तो तुम्हें 1 या 2 दिन में आयुष्मान किसी को भी मिल सकता है। बाद में तुम हॉस्पिटल में जाके वो दिखाओगे तो तुम्हारी ट्रीटमेंट जितनी भी है वो कवर हो जाती है इतने रुपीस के अंदर, या जो भी मोस्टली ट्रीटमेंट उसमें है ही, मुझे पता है आयुष्मान में, तो वो तुम्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत ही फायदे वाली स्कीम है, मेडिकल में फ़ायदा नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि बाहर निकल के, चलो मैं ही चल रहा था और मैं समझो गिर गया, कुछ नहीं हुआ, हेमरेज हो गया, हॉस्पिटल में चले गए, जितनी बड़ी हॉस्पिटल इतना बड़ा बिल हमें पता ही है, लाख में आता है, 1000 में तो बिल आता नहीं है। तो इसीलिए ये सब बहुत फ़ायदे है मेडिकल में, तो वो भी लेने चाहिए। गुजरात की स्कीम बताओ, अभी स्टेट वाइज बताऊँ, मुंबई में EBC के नीचे और माइनॉरिटी में टेक्निकल के लिए महाराष्ट्र में, बराबर है, 25,000 सभी को मिलता है, तो वो तुम्हें लेना चाहिए। माइनॉरिटी के अलग से फॉर्म है, उसकी वेबसाइट भी है महाराष्ट्र में, तो वो मोस्टली सभी को मिलता है। ये जो मैंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम बताई उसमें गवर्नमेंट ग्रांट करेगी तो मिलेगा। यहाँ पे गुजरात में MYSY मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, MBBS के लिए बेटियों को 100%, यानी कि हर साल मैक्सिमम 4.25 लाख, 4.5 लाख का कोर्स होता है, 4 लाख सिर्फ गिनो तो भी 18 लाख मिलेंगे, बराबर है। वो सबसे बड़ी बहुत ही अच्छी स्कीम है, वापिस नहीं देना होगा तुम्हें पढ़ने के लिए, और सभी में 12वीं के बाद गुजरात में तुम रहते हो तो ये कॉमन स्कीम है, सभी गुजरात के बच्चों के लिए है, तो तुम्हें बहुत ही फ़ायदा उसमें मिलेगा। स्कॉलरशिप का फॉर्म मत भरना, तो इसमें ये MYSY मुख्यमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, उसमें बहुत ही फ़ायदा रहेगा। EWS का भी फ़ायदा रहेगा, माँ अमृतम का भी गुजरात में फ़ायदा है, और ये लोन में भी यदि तुम्हारे इंडिया में पढ़ने के लिए 10 लाख चाहिए और फॉरेन में पढ़ने के लिए सिर्फ 15 लाख चाहिए, तो बिन अनामत में एक स्कीम है जिसमें हम जैन कवर हो जाते हैं, बराबर है, उसमें सिर्फ तुम्हें 5% के हिसाब से लोन मिलेगी। ये सब गुजरात वालों के लिए ही है, बराबर है। गुजरात में सबसे ज़्यादा बेनिफिट एजुकेशन में, मेडिकल में मिलता है, तो लेना चाहिए। अभी कर्नाटक में भी फॉरेन एजुकेशन लोन, जो भी कर्नाटक के जैन है उसकी, बहुत सारे स्टेट्स का मुझे पता है, बराबर है, तो इसीलिए वहीं पर भी तुम्हें 20 लाख रुपया बगैर इंटरेस्ट से मिलता है, ऐसा मैंने सुना है और पढ़ भी चुके हैं, लेकिन तुम्हें वहीं पर स्टेट गवर्नमेंट में, जो भी कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन में, वहीं पर जाके तुम्हें इंक्वायरी करनी पड़ेगी, तो वहीं पर वो भी फ़ायदा है। राजस्थान में मैंने बताया कि लेडीज़ के नाम से तुम बिजनेस करते हो तो 50 लाख की लोन बगैर इंटरेस्ट से तुम्हें मिलेगी, ऐसी स्कीम वसुंधरा बेन राजे ने डिक्लेयर की थी, अभी दूसरे आ गए हैं, चालू है या नहीं है पता नहीं है मेरे को, तो ज़रा वो देख लेना। ये सभी स्टेट में फ़ायदा। बीजू दूसरा कि MP में तुम्हें 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट करोगे, वही तुम्हारे लिए जैन माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बन जाएगा, बराबर है, लेकिन वो भी करो और साथ में EWS का सर्टिफिकेट भी लो। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने खुद ने सर्कुलर निकाला है कि किसी को भी हम 2012 के बाद इश्यू करने वाले नहीं है। महाराष्ट्र के जैनों को तो मैं समझता हूँ 2020 आ गया, 16-17 साल से महाराष्ट्र के जैनों माइनॉरिटी में है स्टेट के हिसाब से। MP वाले मेरे हिसाब से 7-8 साल तो ये इसको हो गया, बराबर 7 साल अभी हो जाएंगे, यानी कि और भी 7 साल, यानी कि 12-13 साल से वो है। राजस्थान वाले भी ज़्यादा साल से, लेकिन कुछ क्या कर रहा है पता मुझे चल नहीं रहा है। किसी को भी सेवा देनी हो तो 1 रुपये का भी तुम्हें इन्वेस्ट किया गया देने के बगैर तो
तुम करोड़ों की साधर्मिक भक्ति, ये जैन माइनॉरिटी या EWS या जो भी स्कीम है, किसी को भी ये सेट तुम्हें मिले, वो सेट है उसकी जेरोक्स उसके पैसे से, यहाँ तो तुम्हें फ्री मिले है कि भाई ये 30 रुपया हो गया, मेरा सेमिनार होता है 30 रुपया पूरा लेते हैं, दे देते हैं, लेकिन उसमें भी वो सेट में तुम्हें बताऊँ कि क्या है। वो सेट में तुम्हें वो जो महाराष्ट्र का जो सर्कुलर है ना, उसमें वो भी लिखा हुआ है, कोई पढ़ता नहीं है, मुझे मराठी भी पढ़ना भी आता है, समझता भी हूँ, बंगाली भी आता है, ये माइनॉरिटी की सेवा में सब कुछ सीख गया हूँ, मारवाड़ी भी आता है, तुम बोलते हो तो वो समझता हूँ मैं, बराबर है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीखना पड़ता है क्या लिखा है। मराठी सर्कुलर में ऐसा लिखा है कि जो भी हमारा धर्मस्थानक है, बराबर सुनना है, महाराष्ट्र वाले के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 2 रुपये में जैन माइनॉरिटी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के सर्कुलर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सर्कुलर के हिसाब से तुम्हें लीगली मिल सकता है। हमारा देरासर उपासरे दिगंबर मंदिर जो भी तुम्हें जैन का सर्टिफिकेट देगा, वही तुम्हारे लिए जैन माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेकिन वो कोई मानेगा नहीं तो तुम सर्कुलर दिखा दो, बाद में भी न माने तो मुझे कहना, यदि बहुत बड़ा फ़ायदा है तो, कि एडमिशन नहीं मिल रहा है इसके हिसाब से, या मुझे दूसरा बड़ा फ़ायदा, मेरे फोन मुझे व्हाट्सएप करना, फ़ोन वाले को बताऊंगा, महाराष्ट्र में स्टेट लेवल पे मैं हेड हूँ, बराबर है, BJP में, तो मैं पहले तो एडवोकेट के हिसाब से, फिर हाईकोर्ट एडवोकेट के हिसाब से, फिर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट के संघ के हिसाब से, बाद में BJP का नाम आता है तो सब कुछ समझ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें फ़ायदा मिले वही हमें बहुत सारे स्कूल कॉलेजों को महाराष्ट्र में भी शुरू करवा दिया है, गुजरात में भी सभी पहचानते, तो यह सभी फ़ायदा भी मिलेगा। और हर एक स्टेट में खास करके तुम कोई भी 3% 4% 5% वाली स्कीम बताए तो वहीं पर जाना नहीं, स्टेट फाइनेंस स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वहीं पर पैसा फंड होता ही नहीं है, तुम वहीं पर टोटली डिसअपॉइंटमेंट हो गए, उसके बदले बैंक में जाओ, मुझे जो भी है मैसेज भेजो, मैं तुम्हें पूरे सभी स्टेट में हो सके इतना महाराष्ट्र में भी इतना दिला चुका, यानी मोस्ट ऑफ स्टेट में, तो और जो भी है ये जो भी आज हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जोनल ऑफिस से, जोनल ऑफिस यानी कि जो भी जिसको पता नहीं है उसको बोलूँ तो पूरे गुजरात की हेड ऑफिस वहीं से वो टोटली जो भी कहे वो हो सकता है, वो अच्छी सेवा देने के लिए हमारे लिए सेवा ही है, बराबर है। और मेरी सेवा के वो वहीं पर हेड ऑफिस में मुंबई वगैरह में फ़ैन है, तो वो उस लोगों ने बोला था, इसलिए वो ब्रांच मैनेजर साहब, असिस्टेंट मैनेजर साहब, चार पांच साहब आए हुए हैं, वो नियम के मुताबिक तुम जाओगे तो लोन मिलेगा, तुम मुझे मैसेज कर देना, उसमें पैम्पलेट है, उसमें भी नंबर है, उसका भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, फ़ोन हो सके तो उसमें फ़ोन करके सिर्फ टाइम लेना, बार बार फ़ोन करके कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट को भूल जाओ, दूसरे जो भी बेनिफिट्स है वो मैक्सिमम तुम्हें, बराबर, सेंट्रल बैंक में मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, कोई भी बैंक से नहीं मिल रहा, मेरा मैसेज पढ़ोगे ना उसमें मैं क्लियर लिखता हूँ, किसी का भी एक पैसा भी नहीं चाहिए, करोड़ में नहीं, आज मैं बोल रहा हूँ लिमिटेड बोल रहा हूँ, अबज में दिला चुका हूँ पैसा जैन समाज को पूरे इंडिया में, किसी का भी पैसा चाहिए नहीं मुझे, अपना जो भी है मुकेश भाई जितना पैसा नहीं है, लेकिन सेटिस्फेक्शन है कि मैं मेरे पैसे में खुश हूँ, बराबर है, और मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ, लेकिन जो भी है सभी को पैसा मिल जाए तो बैंक वाले साहब है वो अच्छी सेवा देंगे हमें, कोई भी है उसको ज़्यादा फ़ोन पे बात करके बिना उसकी अपॉइंटमेंट लेके वहीं पर चले जाओ, वो कहते वो करो, और मैक्सिमम बेनिफिट मुझे पता है, और यदि मैंने जो भी किया, इवन समझो लोन में ऐसा होता है कि तुम एडवांस में यदि पेमेंट करना पड़ा है तो वो भी वापस मिल जाएगा, यानी कि बहुत सारा है इसमें, मुझे सब कुछ पता है, मेरे पास मैंने यहाँ साहब बैठे थे कि आपके पैम्पलेट में लिखा है उसके सामने बोला, बराबर, कि 10 लाख और 20 लाख के बदले इंडिया में पढ़ने के लिए भी चाहिए, 10 लाख के बदले 75 लाख चाहिए तो भी मिल सकता है, फॉरेन में पढ़ने के लिए 20 लाख नहीं 1.5 करोड़ चाहिए तो भी मिल सकता है, मेरे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA, उसके ऊपर है RBI के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बराबर, मेरे पास RBI के भी है, IBA के भी है, और सेंट्रल बैंक के साहब को दिखा के पूरी की पूरी तैयारी रहती है, पूरी सेवा में पूरे तैयार होना पड़ता है बाद में सेवा, तो ये सभी साहब को हम 2-5 मिनट के लिए आएंगे, उसको सुनेंगे, उसका हम सम्मान करेंगे कि हमारे लिए आज रविवार के दिन उसको कुछ इसमें लेना देना हमारे लिए नहीं, लेकिन हमें अच्छी सेवा मिल जाए, अच्छा हमारे बच्चों का भला हो जाए, बिजनेस का भी भला हो जाए, सभी का, तो इसीलिए आए हैं हम, उसका सम्मान करेंगे, हम उसको थैंक्स भी बोलेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ साहब जो भी है, और असिस्टेंट मैनेजर साहब और उसका स्टाफ में आ रहे जो भी है सभी, प्लीज़ ऊपर आ जाइए, हम आपका बहुत बहुत आभारी है, सवेरे मेरे हिसाब से 11:30 बजे से यहाँ पर आए हुए हैं, अभी हमारे लिए ही रुके हुए हैं।
नहीं नहीं कोई फोटो कोई दूसरा कोई दूसरा ले लो, क्योंकि उसको वहीं पर आया था इसलिए दे दिया ना मोबाइल, अच्छा हुआ। आदरणीय पुष्पेंद्र जी सर प्लीज आइए आप। चलिए अब हम हमारे इनकमिंग प्रेसिडेंट आदरणीय राजेंद्र जी सर है क्या, आ जाइए। हाँ वही करवा रहा हूँ। सबसे पहले हम पारस जी का अभिनंदन करेंगे, साथ में जो उनकी टीम आई है उनका भी माल्यार्पण करेंगे। राजेंद्र जी सर और साथ में पुष्पेंद्र जी, एक बहुमान और है हमारे दो दिवसीय कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था को जिन्होंने संभाला है, हमारे किशन कुमार जी सेंटर में आ जाएं थोड़ा। राजेंद्र जी अन्यों को माल्यार्पण करें। इसके अलावा इस इवेंट में जिन्होंने एक बहुत ही शानदार टेंट की व्यवस्था की है, कैटरिंग की व्यवस्था की है, साउंड की व्यवस्था की है, फोटोग्राफी की व्यवस्था, हमारे बकुल भाई और उनकी पूरी टीम का हम बहुत दिल की अजीम गहराइयों से स्वागत करते हैं। हिंदुस्तान में पहले व्यक्ति आप मिले हो, इधर से फोटो खींचा उधर से मोबाइल में आ गया, इतनी फास्ट सर्विस अभी तक देखने में नहीं आई है। सो वी आर हार्टली अप्रिशिएट यू एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। यस बकुल भाई और उनकी टीम। पारस जी सर आपको ये कहना है कि आपने जो यहाँ पर हम सभी का मार्गदर्शन किया है, आपकी बातों को हम सभी ने नोट किया है और जो फॉर्म आपने दिए हैं हम कटारिया फाउंडेशन के माध्यम से हमारे जितने भी नीडी है उन तक पहुँचाएंगे और आपके नंबर लेकर के आपके पास में कांटेक्ट भी करेंगे हमारे पुष्पेंद्र जी और पीआर साहब के माध्यम से। और वेन एवर एनी टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट देन वी विल कम टू यू अगेन। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू एज वेल एज योर टीम ऑल्सो। एक बार तालियां बजा दे सभी लोग। हाँ जिस किसी भी क्लाइंट को कोई भी काम होगा सीधा नंबर, हाँ कोई बात नहीं है व्हाट्सएप में, ठीक बात है। आज आपने पूरा दिन दे दिया है तो और क्या चाहिए हैं। चलो कोई बात नहीं, आपके धैर्य को प्रणाम करता हूँ वापस, ठीक है। बहुत बड़ा इवेंट है, कहीं किसी प्रकार की हमसे भूल हो गई हो व्यवस्था के संदर्भ में। हाँ आइए सर आइए। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं जगदीश बाबरिया हूँ, रीजनल ऑफिस हेड ऑफिस का मार्केटिंग और रिकवरी सब देखता हूँ। आप लोगों ने हमें बुलाया इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों को एक पैम्पलेट में लोन है, इसके अलावा कुछ भी सेवा चाहिए। पूरे इंडिया में हमारी 5200 ब्रांचें हैं पूरे इंडिया में, राजस्थान में भी मैक्सिमम है, मध्य प्रदेश में भी है, मुंबई महाराष्ट्र में भी है और गुजरात में भी है। कोई भी ब्रांच में जाएंगे ये सेवा आपको मिलती रहेगी। और हमारी बैंक साहब बोल रहे थे माइनॉरिटी माइनॉरिटी वाली बात करें, हमारी बैंक के स्थापक भी माइनॉरिटी से भी आते हैं, पोतखान वाला जी पारसी ने हमारे बैंक को बनाया था, 109 साल हो गए हमारी बैंक ने। और थैंक यू। बैंक के भी आपसे मैं आभार प्रकट करता हूँ इस कटारिया फाउंडेशन का कि उन्होंने सेंट्रल बैंक को इस मंच पे मौका दिया कि अपने बैंक के बारे में कुछ बता सके, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सके। काठिया साहब ने तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई माइनॉरिटी सर्टिफिकेट एंड एजुकेशन लोन के बारे में, और अभी एक ब्रोशर आप लोगों के बीच दिया गया है, अगर उस ब्रोशर में आपके ज़रूरत के अनुसार कोई भी प्रोडक्ट आपको आवश्यकता हो तो
किसी भी ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं और उसमें जो नंबर दी हुई है उस नंबर पर भी सीधा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले नमस्कार सारे लोगों को। मेरा नाम कुमार केशव हुआ और मैं गांधीनगर रीजनल ऑफिस में पोस्टेड हूँ और कटारिया फाउंडेशन को मैं थैंकफुल करता हूँ कि हमें सेंट्रल बैंक को मौका दिया। और आपको कोई भी ऑल ओवर इंडिया में किसी भी ब्रांच में सेंट्रल बैंक से परेशानी हो तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं और जो ब्रांच से आपको प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पर आप बता सकते हैं, परिचय दे सकते हैं हमारा, हम आपका काम सॉल्यूशन तुरंत हो जाएगा वहाँ से। धन्यवाद। एक मिनट ठहरिए, वो कहाँ गए हमारे पंडित जी, महाराज जी कहाँ गए? किशन कुमार जी, किशन जी, श्रीमान चुनीलाल जी संघवी और जयंतीलाल जी संघवी दोनों ही पधार रहे। पुष्पेंद्र जी सर आप भी आ जाएं। भोजन की व्यवस्था आपको सभी को सुंदर लगी है, आनंद ले लिया है, बस तो तालियां बजा के इनका अभिनंदन करें आप। इसके अलावा भी अगर कहीं किसी का नाम जाने अनजाने में लेने में चूक हो गई हो तो एक बार फिर परम आदरणीय सौभाग्य चंद जी छितरमल जी कटारिया परिवार की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आउटगोइंग प्रेसिडेंट प्रकाश जी कटारिया एंड इनकमिंग प्रेसिडेंट राजेंद्र जी कटारिया दोनों की ओर से मास्टर ऑफ सेरेमनी ओम आचार्य आप सभी से क्षमा याचना चाहता है। सभी जो भी मीडिया के लोग यहां पर आए हैं, बालोतरा से जो बस आई है किशोर जी सिंह भी लेकर आए हैं, वो बस यहां से लब्धीधाम से 6 बजे बालोतरा के लिए प्रस्थान करेगी। बालोतरा वालों का जितना अभिनंदन किया जाए उतना कम है, क्योंकि आपको मालूम है इस पूरे के पूरे राष्ट्रीय फाउंडेशन की स्थापना भी बालोतरा से ही चली थी ये यात्रा, और शायद अमृतलाल जी चले गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार तालियां बजाइए। पूरे देश भर में आज लगभग 3000 के लगभग रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उसमें आपका भी बहुत बड़ा पुण्य है और आपकी आयु भी बड़ी है, आपका यश भी बड़ा है। और इवेंट वाले भाई, क्या नाम है, अंकित भैया आप भी आ जाएं। अंकित जी आए, अशोक जी हैं क्या? ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल हैं, इसको लेकर के और भर के पधारें आप, इस बात का ख्याल रखें ताकि हमारे नीलेश भाई के द्वारा उसको जो है फीड किया जा सके कंप्यूटर में। मीडिया वाले हमारे रमेश जी वो तो वहाँ होंगे ना, आ गए, आइए आइए, पूरा इतिहास इन्होंने लिखा है और राजस्थान के मीडिया में भी ये खबर बहुत सुंदर तरीके से जाने वाली है। हमारे पुष्पेंद्र जी सर, नरेश जी भाई साहब आपका भी बहुमान कर रहे हैं, इनका रमेश जी त्रिपाठी जोधपुर से, निमेश कटारिया जी नरेश जी पहनाइए, ये हैं भाई श्री रमेश जी त्रिपाठी, आइए आइए। चलिए, 2 दिन के अधिवेशन को यहां पर हम विराम दे रहे हैं और दोनों हाथ जोड़ के आप सभी से क्षमा याचना चाहते हुए, अंकित भैया रह गए हैं, आइए आइए आइए, अभी तो हूं ना मैं। ये जो टेंट आप देख रहे हैं, सारी व्यवस्था आपने बताया, इंडिया के बाहर भी ये काम करते हैं और कटारिया फाउंडेशन की ओर से आपका अभिनंदन है। आदरणीय पुष्पेंद्र जी और नरेश जी भाई साहब दोनों ही मिलकर आपका स्वागत कर रहे हैं। अशोक जी, नाउ वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू, सच ए लॉन्ग टाइम यू आर विद अस। एक मिनट, अभी आपका करवाना है हो गया सर। अरे भाई, ये 2 दिन का जो संचालन किया है उसके बिना इसको 4 चांद डेफिनेटली नहीं लगते। बार बार बीच में शायरी दी दैट, तो मैं ओम आचार्य का
नरेश पे शील्ड देके हो गया सर। अरे वाह, यस यस हो गया, हो गया, हो गया, रियली सुपर। नरेश जी भाई साहब ने करवा दिया है। चलिए, और उसके बावजूद भी अगर कोई कमी बेशी रही हो, बकुल भाई आइए आइए। देखिए, भूल हो सकती है। बकुल भाई, राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा है, जहां प्राण को मिली प्रेरणा समझो कि उत्थान हो गया, और जहां उचित को मान मिल गया समझो कि कल्याण हो गया, समझो कि कल्याण हो गया। आइएगा, आदरणीय पुष्पेंद्र जी और नरेश जी भाई साहब दोनों ही मिलकर आपका स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान बकुल भाई, हमारे पुष्पेंद्र जी भाई साहब के परम मित्र हैं ये। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने माल्यार्पण किया है, वेरी गुड। एक मिनट, मैं भी आता हूं। चलिए, मैं कटारिया फैमिली की ओर से श्रीमान सौभाग चंद जी, चित्रमल जी, कटारिया परिवार की ओर से मुझे आदेश मिला है, एक बार पुनः आप सभी का दिल की अजीम गहराइयों से आभार अभिव्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम दूँ। इससे पहले एक वेबसाइट वाला काम रह गया। नीलेश बाबू, नीतेश भाई आ जाइए, दो मिनट का काम है, वो जरूरी भी है। वेबसाइट के लिए नीतेश भाई, अरे मेरा बात हो जा रहा है। नीतेश भाई, आदरणीय पीआर साहब, पृथ्वीराज जी आपको याद कर रहे हैं, पुष्पेंद्र जी, अशोक जी आ जाएं, हमारे उपाध्यक्ष जो यहाँ उपस्थित हैं। अशोक जी आइए। अच्छा, आप गाते भी हैं क्या? एक गाने गाएंगे। अच्छा, तो फिर आप अलविदा 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 कभी नहीं होंगे। चलिए ऑपरेटर, थैंक यू। अशोक जी, बातें नहीं, गाना जी है। नहीं है, नहीं गाना नहीं, 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 अभी कोई नहीं, कोई नहीं है, क्या मतलब है? वो आ रहा है, नीतेश आ रहा है। नहीं नहीं, नीतेश आ रहा है तब तक। नीतेश, ये गाने से सब आ जाएंगे? अरे नहीं यार, नहीं जी, नहीं, गाने का माहौल नहीं है, मजा नहीं, कितने लोग आ रहे हैं। नीतेश भैया अगर हो तो आ जाए, नहीं तो वाइंड अप कर रहे हैं। इस इवेंट के पल पल को जिन्होंने कवर किया है और पूरा फीड हो रहा है कंप्यूटर में, नीतेश बाबू। हाँ जी, हाँ बताइए, वोट ऑफ थैंक्स आ रहा है, देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, प्लीज सी। आप लोगों की उपस्थिति से कटारिया फाउंडेशन का चतुर्थ अधिवेशन पूर्ण रूप से धूमधाम से संपन्न हुआ। आप लोगों ने जिस ऊर्जा से इसमें सहयोग दिया और विभिन्न क्षेत्रों पर अपना मंतव्य दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ, और भविष्य में ऐसे होने वाले सम्मेलनों को इससे भी ज़्यादा ऊर्जा से आप सहयोग करते रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप सभी को मेरा विशेष प्रेम भरा आशीर्वाद, धन्यवाद। एक मिनट प्लीज़ अटेंशन प्लीज़। मैं जब से यहाँ आया हूँ परसों से, तो एक बात मेरे मन में कंटिन्यूसली आ रही है, हेलो, एक जस्ट इससे टू मिनट्स, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, मगर जो बात मन में आई है ना,
वो मैं वापस यहाँ पे वो ये चुप रही है, तो मैं बोल रहा हूँ वो बाहर निकाले बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। सोमाक मलजी साहब, आप और आपके बच्चे, मैं क्या कहूँ, मैं यहाँ से आया हूँ तब से जिस तरह से आपने यहाँ पे जिस तौर से हमारी ये सब की जो व्यवस्था की है, भगवान करे आपको बहुत उम्र, लंबी उम्र मिले। खान पान में बोलो, सर्विस में बोलो, सब यहाँ पे बोलो, बैठे भी चाय आ जाती है, पानी आ जाता है, खाने में तो इतना नहीं जैसे हमें लगा कि हमारी बारात आई है और बाराती में हम लोग खाना खा रहे हैं। आप सबको कितना धन्यवाद दूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए, योम दे सकता है उसके लिए, मेरे पास वो शब्द नहीं। मगर एक बात कहूँ, बहुत ये जो मेमोरी है वो मेमोरी यहाँ लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल जिंदगी भर याद रहेगी आपकी, जो जिस तरह से आपने हमारा जिंदगी जो सब हॉस्पिटलिटी भी दी थी। हाँ, क्या बोलना है? हाँ, ओम प्रभा, ओम बोलिए बोलिए प्लीज। अभी और कोई शेर बाकी रह गया क्या? इंसान की खुशबू रहती है, जो भी बड़े और छोटे लोग सुन रहे हैं उन सभी को ये मेरा संदेश है। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, और दरबार सजा रहता है, बस दरबान बदलते रहते हैं। जो हिम्मत वाले मांझी है वे ही तो इतिहास बनाते हैं। हरेक के वश की बात नहीं है साहब, ये वो परिवार है जिसको मैंने देखा, पुष्पेंद्र जी एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं हुए हैं, या कहीं 10 मिनट 15 मिनट के लिए कंटिन्यू एक जगह पर बैठे हुए मैंने इनको नहीं देखा है। एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह से पुष्पेंद्र जी आपने जो मेहनत की है, सच में मैं आपकी बड़ाई करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन ये पूरा ये जो शेर है वो इसलिए समर्पित कर रहा हूं कि इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, ये दरबार माँ आशापुरा का ये दरबार सजा रहता है, बस दरबान बदलते रहते हैं, मगर जो हिम्मत वाले मांझी है वे ही तो इतिहास बनाते हैं। जो बातों के बातूनी है ऐलान बदलते रहते हैं, ऐ भोले भाले मानव तू क्यों मिटता है वरदानों पर, दातार की खुशबू रहती है, सुल्तान बदलते रहते हैं, सुल्तान बदलते रहते हैं। कल अशोक जी थे, आज प्रकाश जी हैं, कल राजेंद्र जी रहेंगे, ये तो सिलसिला है, चलता रहेगा, लेकिन जब तक इस समाज में, जब तक इस कटारिया गोत्रीय परिवार में दाताओं की कमी नहीं है, ये एक ये सम्मेलन इसलिए भी याद किया जाएगा कि हम चैतन्य धाम गए थे, वहाँ की चैतन्य धरा के ऊपर कटारिया के शूरवीरों ने, कटारिया गोत्रीय दाताओं ने मिलकर के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार कॉन्फ्रेंस आने वाले, पांच पांच कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर फ्री हुई है। भाई पृथ्वीराज जी कटारिया, आपने और आपकी टीम ने जो मेहनत की है और जो रास्ता हमको दिखाया गया था, मुझे तो रणकपुर याद आता है, रणकपुर में मुट्ठी भर लोग थे। ये अमृतलाल जी, लोग कहते होंगे ओम प्रकाश जी अमृतलाल जी का बहुत नाम लेते हैं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, ये व्यक्ति का स्वभाव एक बालक जैसा है, एक बालक जैसा स्वभाव है, पूरा समाज सुन रहा है, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है और मैं बेवाक बोलने वाला व्यक्ति हूं। और इसलिए भी आज जब आप ये माहौल देख रहे हैं, लगभग 2000 से भी ज़्यादा लोगों की गैदरिंग देखकर आपकी आयु और आपका यश बढ़ा है, और जिन युवाओं को आज यहां पर सम्मानित किया गया है उनमें भाई पृथ्वीराज जी कटारिया और उनकी पूरी टीम को मास्टर ऑफ सेरेमनी ओम आचार्य यहाँ से सैल्यूट करता है। कैबिनेट के जितने भी हमारे सीनियर मेंबर है, पसीना अपना बहाया होगा, पसीना अपना बहाया होगा और खूने जिगर को लुटाया होगा, तब कहीं जाकर के चैतन्य धाम में ये कटारिया का इतिहास बनाया होगा, ये इतिहास बना हुआ है। अब आप और हम जब यहाँ से जाएं तो ये संकल्प लेकर के जाएं कि ये लोगों, जो सौभाग्यचंद जी ने हमारे सौभाग्य का जागरण किया है उसको हम साथ में लेकर के जाएं, यानी इतिहास की आंखों में तस्वीर हमारी हो, इतिहास की आंखों में तस्वीर हमारी हो, और अगला आयोजन ऐसा हो कि सौभाग्यचंद जी भी आभारी हो, इतिहास बनाने का मौका मिल गया है, ये योजना हमारी कल्याणकारी हो, कल्याणकारी हो, कल्याणकारी हो, कल्याणकारी हो। हमें मालूम है, जितना आप जानते, ये कल इन्होंने एक मिनट प्रकाश जी सर, हमारे महामंत्री कहाँ गए? हमारे परमादरणीय प्रकाश जी कटारिया साहब, अशोक जी,
कटारिया इनकमिंग प्रेसिडेंट राजेंद्र जी और विशेष रूप से हमारे परम आदरणीय जो कि हमारे सरपरस्त हैं, जिनके मार्गदर्शन में कटारियाओं ने ये जानकारी हासिल की कि हम कहां से निकले। मुझे पूरी तरह से याद है परम आदरणीय श्रीमान केवल चंद जी भीकम चंद जी कटारिया, उनके उनके ज्ञान और उनकी प्रबुद्धता को हम भूल नहीं सकते, इसलिए उनका भी हम बहुत बहुत आभार मानते हैं। मेरे कहने में फिर वापस कोई नाम रह गया हो तो अगले वर्ष तक प्रतीक्षा करें। और आपका संदेश, आपका जब अवार्ड सेरेमनी हुआ उस वक्त भी आपने पूरा अवार्ड किसको समर्पित किया था? केवल चंद जी को। और आज ये अपनी जवानी अशोक जी को समर्पित कर रहे हैं। आइए नीले जी, आइए। थैंक यू। जय जिनेंद्र। हाँ, ऑडियंस तो बहुत कम है लेकिन ठीक है, जहाँ भी मौका मिला हम शुरू करते हैं। सो हजार को बताएं। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो दो चीज है, हमने अपना ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन की वेबसाइट तैयार कर ली है और उसमें अराउंड 2000 फैमिलीज के डेटा अपन ने फीड कर दिए हैं। सो वी आर गोइंग टू लॉन्च दैट वेबसाइट। उसमें क्या क्या फीचर्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और वेबसाइट के साथ साथ एक हमने डिजिटल डायरेक्टरी भी हमने बनाई है, उसमें जो डेटा वेबसाइट में था वो डेटा हमने डिजिटल डायरेक्टरी में डाल दिया है, जिसका सीडी का लॉन्च भी हम करने वाले हैं। तो पहले हम सीडी का लॉन्च कर देते हैं और उसके बाद हम वेबसाइट का लॉन्च करेंगे। सो हाँ, सबको दे दें एक एक, सबको दे दें एक एक, सभी लोग आ जाएं, जो लोग सामने बैठे हुए हैं। आइए आइए सर, आइए, पधारो पधारो पधारो। बीआर साहब प्लीज़ आगे पधारो। आइए आइए, चलें आप भी चलें। ये सीडी लॉन्चिंग हो रही है अभी। तो ये सीडी जो बेसिकली इसको हम अपडेट करने वाले हैं और अपडेट करके जो भी रीजन्स हैं उनको हम ये दे देंगे एंड एट द नॉमिनल चार्जेस यू कैन गेट दिस सीडी, जिसमें सारे डेटा रहेंगे, फैमिली के डेटा रहेंगे और रीजन वाइज डेटा है उसमें। ओके, वेबसाइट लॉन्च कर देते हैं। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर वेबसाइट। नरेश भाई एक मिनट रुक रहे हाँ। एक विशेष सूचना, जिन लोगों को आदरणीय पारस जी लाठिया के साथ में कन्वर्सेशन करना है वो पीछे बैठे हुए हैं, वहां जाकर के उनसे संपर्क कर सकते हैं। प्रकाश जी साहब, जस्ट अपन लॉन्च कर रहे हैं वेबसाइट भी, प्लीज जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देंगे so it will be displayed on the LED। हाँ बाबूजी क्या हाँ कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं सर, आप तो बटन दबा दे, बटन दबा दीजिए आप तो। नरेश भाई हो गया, यस यस। सो दिस इज आवर वेबसाइट, हो गया, ये आप चेक कर सकते हैं, ये वेबसाइट अपने लाइव हो चुकी है। इसमें जो डेटा आज अपने को मिल रहे हैं वो भी हम इसमें अपडेट कर देंगे
और विद इन ए वीक इट विल बी लाइव, सो यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन दिस वेबसाइट. थैंक यू, वेरी गुड. सो यू कैन जस्ट चेक इट. नीलेश भाई, नितेश भाई, नितेश भाई, इसको बहुत बहुत धन्यवाद. इसको बनाने में साल भर लगा भैया. ये संपूर्ण फाउंडेशन की मास्टर की है आपके सामने. हाँ। नितेश बाबू ने जो मेहनत की है. नीलेश, नितेश और मेरे साथ में है नरेश. हैं? बोलो. साइलेंट, एकदम साइलेंट. आपको मालूम नहीं है कब ड्यूटी गई और गई. किसके लिए? हाँ, नितेश भाई को कर दे. नितेश जी का करवा. एक मिनट आने दो उनको. हमारी साल एक भी बचनी नहीं चाहिए बात वो. शॉल भी नहीं बचेगी और साल भी एक भी नहीं बचेगा. 10 साल तो आपके रिजर्व करवा दिए और आगे का तो करेंगे नहीं, क्योंकि कोई पता नहीं है. जीवन मतलब जीवन की सांसें सीमित है, इच्छाओं का अंत नहीं है. जहां खड़े होते लाइन वहीं से शुरू हो जाए. बस बस बस, सही बात है, एकदम सही है. कोई कमी रहेगी भी नहीं. नितेश जी आ जाइए, आपका बहुमान कर रहे हैं हम. सर लीजिए, आ जाइए, आ जाइए. बस वो लाइव पे आ जाएगा, हो गया ना. नीलेश भाई, नीलेश भाई कहीं काम पे होंगे. कितने महान लोग हैं, अभी तक कोई उठने को भी तैयार नहीं है. इसलिए थोड़ी आया हूं मैं, इसलिए थोड़ी आया हूं मैं. और विशेष रूप से मैं यहां पर उपस्थित तमाम बुजुर्गों को, सरपरस्तों को अपनी ओर से प्रणाम करना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत ही धैर्यता के साथ में शारीरिक अनुकूलता प्रतिकूलता को सहन करते हुए 2 दिन के इस अधिवेशन में जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स यहां पर पधारे हैं, कहीं कोई तकलीफ भी हुई हो, कहीं कोई व्यवस्था में 19-20 भी हुआ, तो भी आपने कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं रखे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा साथ दिया है. सभी सीनियर सिटीजन्स और बुजुर्गों का भी इस मंच की ओर से बहुत बहुत आभार है. सीनियर सिटीजन तो जवान हो गए. हाँ, सही बात है ये. पुष्पेंद्र जी, ओके, सब लोग भोजन पे आमंत्रित है. थैंक यू फ्रॉम द मास्टर ऑफ सेरेमनी ओम आचार्य. बोलिए सरस्वती मात की, बोलिए आशापुरा मात की, बोलिए चामुंडा मात की, बोलिए अन्नपूर्णा मात की, बोलिए जगदम्बे मात की, जय हो. बोलिए ओम आचार्य की, बोल सोनाड़ा खेतला जी महाराज की जय हो. बोलिए महावीर स्वामी भगवान की, बोलिए आदेश्वर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो. थैंक यू साउंड ऑपरेटर, आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद.